सुंदर बाला सुंदरब नाचत श्री हरि कीर्तन में सुंदर चंद तिलक मरो भाले चंद्र अलका शोभ कपोलन में अलका, में। अलका शीरे चूड़ा दर्शिबाले वनफल माला या पर डोले श्रे चूड़ नरशिवाले बहिरण पीता पिताम्बर शोले बहिरण जन चरणों में नो पुररण जनचरण राधा कृष्ण एक ततनों निधवन माझे वम शिवजाये रूप के प्रभु जी सा विश्वरूप और प्रकट है नादिया में औत प्रकट कोई गायत है राधा कृष्ण नाम कोई गावत है हरि गुणगान राधा कृष्ण नाम

सचि नाचत श्री हरि कीर्तनमे सुन्दरब सचि दुलारा भाले चंदन तिलक मनो हरे भाले चंदन अलका शोभ कपोलन में अलकाशो शो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे सच दुला नाचत श्री हरे कीर्तन में सच गोला नाचत से हरे नाचत श्री हरे कीर्तन में गौर हरी जया गौर हरी गौर हरी जया गौर हरी गौर जया सती माता प्राण धन गौर हरी नादिया बिहार गौर हरी सच मत योग गौर हरी योग गौर हरे योग कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम

पावन हरिनाम नाम संकीर्तन के ओम अज्ञान तविरंदस्य ज्ञानान् जना शलाय तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो ओम विष्णु कृष्ण प्रस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेतिनामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादिपाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधरश्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द जय श्रीचैतन्य जय द्वैता चंद्र जया गौरभक्तवृंद जय जय ची चैतन्न दया नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय जय वृंदी चैतन्न दया नृत्य अद्वैत चंद्र जय भक्त वृंदा भक्त वृंदा वही क्षण का नहीं हरे कृष्णा सो द चैतन्य चरतामृता यू कैन यू आर एबल टू सी सो क्विकली एक पाँच मिनट में हम देखेंगे चैतन्य चरतामृत का फ्लो क्योंकि इसको देखने से चैतन्य महाप्रभु के जीवन पूरे जीवन अड़तालीस साल में उन्होंने क्या किया वो हम उसका एक मैप मिल जाएगा हमको देखिए पहला आदिलीला में इन्वोकेशन प्रार्थनाएं बताते हैं कविराज गोस्वामी उसके बाद अलग अलग अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं जैसे नित्यानंद तत्व के बारे में एक चैप्टर है आचार्य के बारे में एक चैप्टर है इसे तो so, उसके बाद हाँ uh, निमाय पंडित के इधर सिखाते हैं कि निमाय रिसीव्स सम लाइफ लेसन्स व्हेन हिज ब्रदर लीव्स होम एंड फादर पासिस अवे निमाय निमाय पंडित जो भगवान चैतन्य महाप्रु अवतरित होते हैं नावद्वीप में उधर रहते समय आदिल में विषय आता है कि उनके बड़ा भाई का नाम क्या है श्रुण। श्रुण। वो सने से कर चले जाते हैं तो तब निमा पाठशाला में जाते हैं सीखते हैं उसके बाद खुद भी एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक बनते हैं उनका भी चतुष्पाठी बोलते हैं ना, उनके बहुत विद्यार्थी थे उन दिनों में नवद्वीप में नवद्वीप और जैसे तक्षशिला बोलते हैं ना चाणक्य ये नालंदा यूनिवर्सिटी है इस तरह ये सब प्रसिद्ध स्थान हैं पढ़ाई के लिए लेकिन नवद्वीप सारे भारत में प्रसिद्ध था सब लोग जो भी न्याय संस्कृति इत्यादि सीखना चाहते थे उधर आते थे नवद्वीप में बंगाल में तो उस समय निमाय पंडित भगवान के कृष्ण राधा भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं फिर भी उनके युवक अवस्था में कैसे उन्होंने बर्ताव की वो चैतन्य भागवत में और भी आपको पढ़ने को मिलेगा उसमें है? मैं जब आएगा लीला आएगा मैं बताऊंगा उस समय लेकिन तर्क न्याय पांडित्य संस्कृति इत्यादि में जो पढ़े थे निमाय पंडित दे उनको देख कर नवद्वीप वासियाँ बहुत पछताते थे बहुत शोक करते थे वैष्णव लोग अगर एक निमाय पंडित एक वैष्णव बन जाएगा तो कितना अच्छा होता ऐसे है? क्योंकि देखने में बहुत खूबसूरत थे कृष्ण hmm. ही थे वो लेकिन योग माया के कारण बाकी लोग समझ नहीं पाए भक्त लोग हैं तो उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन होता है जब वो ईश्वरपुरी को मिलते हैं दीक्षा लेते हैं उधर गया में हुँ? उसके बाद आ, सन्यास मध्य लम्बे साल होता है सन्यास होता है सन्यास होने के बाद किधर आते हैं जगन्नाथपुरी में आते हैं उधर आकर सरण भट्टाचार्य को उद्धार करते हैं हु? और उसके बाद उनकी अभिलाषा होता है कि मैं प्रचार काम में चले जाऊँ दक्षिण भारत में जाते हैं छः साल के लिए प्रचार काम में लगते हैं तो उसके बाद वापस लौट आने के बाद रूप सनातन श्री रूप सनातन भट्टाथ श्री जीव गोपाल भट्ट यासनाथ उन गोस्वामियों को तैयार करते हैं उनको बुलाते हैं किधर पुरी में बुलाकर उनको अपने सब महान भक्तों के साथ परिचित कराते हैं जैसे रामानंद राय सौरम भट्टाचार्य स्वरूप दामोदर ऐसे भक्तों के साथ है। और उनको चार आदेश देते हैं वृंदावन में जाओ तीर्थ स्थलों को पहचानो और उधर मंदिर स्थापन करो राधा माधन मोहन राधा गोविंद और राधा गोपीनाथ उनके मंदिर को स्थापन करो शिव ग्रह को स्थापन करके अच्छा विधियों को पालन करके लोगों को सिखाओ कैसे भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए किताबों को लिखो किसके ऊपर आधारित शास्त्रों के ऊपर आधारित शास्त्रों का निचौड़ को शास्त्रों को निछौड़ कर सार निकाल कर ये भक्ति की पथ जो है कृष्ण की भक्ति की भक्ति भक्ति की पथ जो है उसको मजबूत बनाकर लोगों को समझ आओ ताकि शास्त्र के तौर पर लोग समझ सके भावुकता से भक्ति न ना करे हा? नाना शास्त्र विचारण का निपुणा इस तरह का उनको आदेश दिया उन्होंने तो उसके बाद उनके सब शिष्य महाप्रभु के जैसे सनातन गोस्वामी नम्रता के लिए मूर्तिमान स्वरूप है हरिदास ठाकुर हरि नाम के आचार्य बनाया उनको उन्होंने रूप गोस्वामी रस तत्व के आचार्य हैं वो इस तरह सबकी प्रशंसा करते हैं वो इं? और जो आ, आ, जैसे रामचंद्रपुरी और जिनको सुधार ना हो सुधार भी लाते हैं उधर आप पड़ेंगे उसमें संत लीला में और उनके अट्ठाईस अड़तालीस सालों में चौबीस साल वो नवद्वीप में रहे चौबीसवा साल में उन्होंने संन्यास ली थी और छः साल गए दक्षिण भारत प्रचार काम में उसके बाद वृंदावनवास के लिए कुछ समय के लिए गए लेकिन बाकी अट्ठारह साल किधर रहे में रहे यह उनकी जीवन पूरे जवन दिया है इसमें अभी हम पावर पॉइंट में जाएंगे हम अच्छा मैं मुझे सब पिक्चर नहीं मिले महाप्रभु के लीला के लीला के जितना मिला है उसको मैंने उसी ऑर्डर में मैंने डाला है इधर आप जो देख रहे हैं ये गंभीरा में चित्र महाप्रभु बैठे हैं अपने पार्षद उनके साथ उनके निकट बैठे हैं अद्विताचार्य प्रभु और बाकी सब वैष्णव श्री प्रभुपाद की तो प्रभापा जी की कृपा से हम लोग चैतन्य सत्ता पढ़कर इतने सुंदर कृष्ण की सुंदर अवतार जो अवतार हैं उनके बारे में समझकर हम कुछ बोल पाते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ही कृष्ण पिछले सत्रों में मैं बोलते आया हूँ अपने सुना है श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्य वान आ, ये पहला लाइन है श्री राधाया प्रणय महिमा की दृश्य वानैवा इसके बारे में कल हम बता रहे थे कि राधा जी की दिव्य भक्ति शुद्ध भक्ति की गुण को समझना चाहते थे कौन कृष्णा और आ, स्वाद्यो ये अद्भुत मधुरिमा की दृश्यो वा मदीय वो दूसरा है वो क्या है मेरे में ऐसी मधुरिमा क्या है जिसके कारण सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड में सब भक्त इतना पागल बनते हैं मेरे पीछे ये भगवान जानना चाह अलग अलग रसों में कोई मेरा दास बनना चाहता है कोई मेरा मित्र बनना चाहता है कोई मेरे प्रेसी बनना चाहते हैं कोई सब मेरे ऊपर आकर्षित होते हैं सब मुझे सर्व आकर्षक मानते हैं मैं सर्व आकर्षक मेरे में सर्व सर्वाकर्षक क्या है वो दूसरा हूँ श्री राधाया प्रणयमय कीदृशो वै स्वाद्यो येनादुत मधुरी मां कीशो वा मदीय सौख्यम चास् मदन बवत कीदृशो वेतिलोभा तदभा वाढ़ समी सचि गर्भ सिन्दू हरिंदु ये तीसरा लाइन में बताते हैं कि सौख्यम चास्य मद अनुभवत ये भक्त लोग उनके भाव के साथ प्रेमवयी सेवा में जब जुड़ते हैं उसमें भक्तों को प्राप्त होने वाली आनंद वो सौख्यम बोलते हैं उसको सौख्यम चास्य मद अनुभवत मुझे अनुभव करने के बाद भक्त में जो अष्ट सात्व के प्रकट होते हैं ना उस मद अनुभव दृशो व्यक्ति लोभात तो भक्तों के हृदय की उस लोभ को मैं अनुभव करना चाहता हूँ जिस तरह भगवान कृष्ण की इच्छा हुई इसलिए कृष्ण राधा जी की कांति और राधा जी की भाव राधा भाव द्युति सुवलितम द्युति का मतलब उनकी शरीर की कांति जो आप देख रहे हैं चैतन्य महापुर के शरीर में वही राधा जी की कांति है और भाव का मतलब है राधा के अंदर एक भाव है जिसको बोलते हैं महाभाव बोलते हैं उसको है। देखिए प्रेम के इतने सीढ़ी हैं बताए गए हैं है, चैतन्य चरतामृत में प्रेम प्रणय स्नेह राग अनुराग भाव महाभाव मधुनों के महाभाव करके तो आठवां स्तर का जो भाव है मधुनों के महाभाव उस भाव अगर किसी के हृदय में आ गया हो उस भक्ति का भाव तो उस व्यक्ति के शरीर का कांति सुनहरा बन जाता है उसका ऐसे बताया गया जैसे अगर कोई क्रोधी व्यक्ति हो उसकी आंखों में लालिमा दिखती है आग बबुला हो जाता है ना देखते हैं ना ऐसे अंदर की बाह बाहर प्रकट होता है प्रभु जी बोलते हैं अगर कोई क्रोधी व्यक्ति है पहले वो आंख लाल होते हैं और क्रोधित हो जाता है तो वो क्या करता है चिल्लाता है और क्रोधित हो जाता है तो हाथ ऊपर करता है ऐसे और क्रोधित हो जाता तो मारता है और उससे भी क्रोध बढ़ गया तो लात मारता है इसी तरह प्रेम में भी क्या होता है जी बोलते हैं अगर हम नाम लेते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ऐसे नाम को सुन सुन कर एक वक्त अगर घंटों घंटे जप करेगा वो एक वक्त है उसके हृदय में नाम नाचने लगता है तो भगवान जब नाचते हैं उसके अंदर एक तरह का आनंद आता है माला छोड़ नहीं पाता वो और दो कर लो और चार कर लो ऐसे मन करता है जैसे गुलाब जामुन खाने के बाद बोलते ना ओ और अनलिमिटेड है क्या हाँ कहने ऐसे तो अगर ऐसे गाता जाएगा नाम बोलते जाएगा ऐसे हमारा अनुभव तो कम से कम है कीर्तन में जप में उतना नहीं आता कभी कभी लगता है कि कीर्तन कभी ना रुके चलते जाए चलते जाए कितने समय के लिए शाश्वत काल के लिए तो ये मेरा अनुभव हुआ कब मैं पहले जब वृंदावन में लोस सुना महेंद्र प्रभु का पहली बार सुना आठ घंटे सुना उस दिन पहली बार किसी ने दिया था मुझे ट्रेन में सुनते आया यार पुनः आने के बाद सुनते रहा सुनते रहा छोड़ नहीं पाया लेकिन रात को छोड़ना पड़ा क्योंकि सोने के लिए जाना था इसलिए तो इस तरह जब भगवान के नामों का नामों का कीर्तन को सुनते हैं जब को सुनते हैं तब तो आनंद जब होता है भक्त के दिन में वो शरीर हिलना चालू हो जाता है कीर्तन सुनते है, सुनते हैं और कुछ समय के बाद हाथ ऊपर करता है और भी कीर्तन में मज़ा आता है तो कड़ा हो जाता है और भी कीर्तन में आनंद आता है तो क्या होता है नाचने और भी कीर्तन एकदम तेज से चल रहा तो हमारे भौतिक शरीर उस आनंद को धारण करने के लिए योग्य नहीं है इस तरह का इसलिए वो लोग बेहोश हो जाते हैं एवं व्रतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो तो चित्त उच्च ही एवं हसततिरोदितिरो गायती उन्माद वंदित तिलोक बाह्य बताया गया इसका मतलब भक्त के शरीर में अष्ट सात्व के ऊपर प्रकट होते हैं जैसे आँखों में आँसू रोम कड़े हो जाना और शरीर कांपना लेकिन ये बाहरी लक्षण को प्रकट करके सहज लोगों ने भक्ति को सस्ता कर दिया है इसलिए हम लोग इन लक्षणों को ना देख कर नव ना। नाव बाकी दूसरे लक्षण को देखना चाहिए उसको बोलते हैं भाव भक्ति के लक्षण कैसे चाल होता है वो क्षांतिरव्यर्थ कालत्व विरक्तिर्मा न शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तत् गुणाख्या प्रीतिस्तत्सती स्थले ये नौ लक्षण हैं अगर भक्ति में अगर कोई बढ़ चुका हो बहुत आगे बढ़ गया हो उसके लिए नौ लक्षण है ये याद रखना आवश्यक है क्योंकि ग्लिसरीन कोई डालकर आंखों में डालकर कोई भी रो सकता है सिनेमा एक्टर्स भी रोते हैं ऐसे हैं इसलिए शांति ही का मतलब है जो व्यक्ति माफ़ कर सकता है दूसरों को जैसे पृथु महाराज ने माफ़ किया इंद्र को ना ऐसे तो माफ़ करना है शांति अव्यर्थ कालत्व मतलब एक क्षण मात्र भी बर्बाद नहीं करेगा वो हर एक क्षण को कृष्ण की सेवा में लगाएगा वो शांति अव्यर्थ कालत्व विरक्ति का मतलब है विगत राग को विरक्ति बोलते हैं मतलब क्या है इंद्रिय तृप्ति के लिए आकर्षण ही छूट जाना ऐसा नहीं कि वो इस दुनिया की चीज़ों को त्याग करता है त्याग करना आसा, आसान है लेकिन आसक्ति छूटना कठिन है इसलिए आसक्ति ही छूट गया मन में उस उसको जैसे कुछ लोग मांस खाते थे पहले भक्ति में आने के बाद मांस छोड़ दिया लेकिन अभी मांस अगर कोई लाता है तो उसको देख कर भी आकर्षण नहीं होता थू करके लगता है ऐसे ये भी रख इस तरह इंद्र तर्पण में विरक्ति हो जाना है रव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता का मतलब एकदम नम्र बन जाता है व्यक्ति सोचता है कि सब जीव मेरे से श्रेष्ठ हैं सब भगवान के महान भक्त हैं मेरे अंदर लेश मात्र भी भक्ति नहीं है इससे महसूस होता है उसको लेकिन भक्ति प्रचुर मात्रा में है उसके हृदय में <स्थ> मान शून्यता आशा बंधक मतलब है कभी भी भक्ति में जितना भी कठिनाइयाँ आए भक्ति छोड़ेगा नहीं वो उसको लगता है कि ज़रूर भगवान मुझे प्राप्त हो जाएँगे तकलीफ तो आ, आएंगे ही से लेकिन छोड़ने वाला नहीं हो आशा बार बार आशा रहता है उसको कभी कभी कुछ लोग परीक्षा ऐसे लिखते हैं एक बार लिखते हैं फेल हो गए दूसरी बार तीसरी बार करते हैं लोग भौतिक जीवन में आज लोग आशा रखते हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन में बोलते हैं कि थोड़ा कठिन चलता छोड़ देते हैं माला चार माला करते हैं हम छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया थोड़ा कठिन चलता है छोड़ दिया आपने हैं लेकिन भक्ति में आशा बंधक मतलब कभी भक्ति छोड़ता नहीं कठिनाई के बीच में भी भक्ति करता है व्यक्ति और समुदा का मतलब जैसे अगर रेलवे स्टेशन में अगर किसी ट्रेन की राह देख रहे हैं आप हैं देरी हो गया तो अभी अनाउंसमेंट हो गया कि आ रहा है ट्रेन सब लोग क्या करेंगे ऐसे अपने कंठ को थोड़ा लंबा करके देखेंगे उसको समुत्कंठा बोलते हैं इस तरह भगवान के लिए राहत देखना भगवान कब प्राप्त होंगे मुझे भगवान कब दर्शन देंगे भगवान के आश्रय मुझे कब प्राप्त होगा हे भगवान अपना बना लो मुझे इस तरह अपेक्षा करना कंठा, नाम गाने सदा रुचि भगवान की नामों का जप करने में कीर्तन करने में सदा करने के लिए रुचि उनमें पैदा होता है इस तरह है। और आसक्तिशत गुणाख्याने भगवान की नाम रूप गुण लीला इत्यादि की वर्णन करने में बहुत आनंद लेना या तो वर्णन करना नहीं तो श्रवण करना उसमें आनंद लेना आसक्ति स्थक गुणाख्या आने प्रीति स्थक बसति का मतलब है भगवान की लीला किए हुए धामों में जैसे वृंदावन मथुरा द्वारका मायापुर रामेश्वरम इत्यादि धाम में वास करना कुछ समय के लिए यात्रा में हम जाते हैं उन स्थानों में बैठकर कर कथा श्रवण करना जो लीला उधर ही हुए हैं है? क्योंकि उसका वाइब्रेशन अभी भी है उधर उन लीला स्थलियों में है? जैसे वृंदावन में रावण रीति में अभी भी कृष्ण बलराम गोप सब खेल रहे हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो सब लीला अभी भी जारी है चल रहा है लेकिन देखने के लिए हमें चक्षु चाहिए हमको है? तो जिसके अंदर भाव का उदय हो गया वो उन लीलाओं का आस्वादन कर पाएगा लोगों का अनुभव कर पाएगा उसके लिए भौतिक पदार्थ भौतिक दुनिया के आकर्षण वो दूर चले जाते हैं और आध्यात्मिक आकर्षण जग जाता है उसके हृदय में तो वो पहचान पाएगा जैसे अगर कोई एक खामुक व्यक्ति हो अगर वो किसी बगीचे में जाएगा वो देखेगा कोई आर्दर सम लव बर्ड्स हैं कोई लड़का लड़की का बैठेगा वो देखेगा वैसे कामुक व्यक्ति अगर कोई लोभी व्यक्ति है अगर कुछ बगीचे में जाता पूछेगा ये कितना एरिया है कितना एकर है हा? ये इसको खरीद लेते हैं पेड़ को काट कर पैसा बनाते हैं हा? पैसे के बारे में सोचेगा वो अगर वही भक्त जाएगा उस बगीचे में सोचेगा हो ये तो वृंदावन जैसे दिख रहा है हा? जैसे चित्र महाप्रभु ने जिधर भी बगीचों में देखा वृंदावन का याद आया उनको कहीं भी पानी को देखा उन्होंने यमुना का याद आ रहा है इस तरह कहीं एक बार गायों को रंबाते हुए देखा उन्होंने तुरंत उनको कृष्ण का स्मरण आ गया है ऐसे कृष्ण का स्फूर्ति होता है उनको जवाम पश्यति सर्वत्र सर्वम चमई पश्यति ऐसे बताया अगर मंदिर में जाकर भगवान के श्री विग्रह को देखते हैं उनको श्री विग्रह जैसे दिखता नहीं हो वो, वो कृष्ण जैसे दिखते हैं वो उनसे बात भी कर सकते हैं अपने मनोभाव को उनको प्रकट कर सकते हैं उनकी आदान प्रदान को सुन सकते हैं इस तरह तो चैतन महाप्रभु सिर्फ भाव लेकर नहीं आए महाभाव लेकर आए वो राधा जी की जो मदनों के महाभाव लेकर आए वो कृष्ण और राधा रानी ही उसका अनुभव कर सकती है इसलिए कृष्ण को देती है कृष्ण लेकर चैत्र महापुरु के रूप धारण करके इधर अवतरित तो होते हैं आज शाम के समय जब चंद्रमा की उदय होगी उस समय भगवान श्री कृष्ण चैत्र महापुरु के रूप में अवतरित तो हुए इस दुनिया में तो उस समय खास करके वे वहाँ प्रभु क्यों आए मैं पिछले सत्र में बताया था मैंने इस दुनिया में भक्ति तो लोग जानते हैं वैकुंठ भक्ति वैकुंठ भक्ति का मतलब जैसे पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को लोग कैसे सलाम मारते हैं हु? इस तरह का औपचारिक आदर होना हा? इस दुनिया में सब लोग करते ही हैं लेकिन ब्रजभक्ति जो है वही प्रधानमंत्री अगर अपने माँ के साथ माता पिता के साथ भाई बहन भाई, के साथ घर में रहेगा उनका संबंध अलग होता है करेक्ट है ना जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस कोई है व्यक्ति आपका मित्र है वो जब आपके घर में आएगा अगर निकट रिश्ता हो बहुत निकट रिश्ता हो वो सीधा जाएगा किचन में जाएगा वो फ्रिज खोलेगा कुछ सैंडविच ले, ले लेगा बैठ कर और आपसे बात भी करेगा आपको पूछेगा भी नहीं करेक्ट है ना कोई और अनजाना व्यक्ति आता है तो दरवाजे में खड़े होकर क्या पूछेगा आपको प्लीज में कमीन क्या मैं आ सकता हूँ क्या तो पूछेगा तो आप अनुमति देने के बाद किधर जाएगा किचन में जाएगा वो नहीं वो तो उधर ही बैठेगा सोफा में बैठने के पहले भी पूछेगा बैठ सकता हूँ क्या है है ना क्योंकि संबंध उतना निकट नहीं है इसी तरह वैकुंठ में संबंध उतना निकट नहीं है कारण क्या है अभी रामायण की लीला में भी आप देखेंगे तीन तरह के सेवक हैं राम के एक है प्रेष्य, दूसरा है किंकर तीसरा है दास प्रेष्य का मतलब है दूर में रहेंगे लेकिन प्रेम करेंगे लेकिन दूर से ही थोड़ा उनको डर भी होता है जैसे सुग्रीवा ये, उनका नाम क्या है विभीषण सुग्रीवा गुहा इत्यादि प्रेष्य का मतलब है दूर से भगवान रामचंद्र को देख बहुत आनंद आएगा उनको लेकिन निकट जाने के लिए डर है उनको और जो किंकर होते हैं हनुमान जैसे वो जाएंगे प्रभु रामचंद्र के पास झुकेंगे और वो उनसे किम करो मैं क्या करो मैं आपके लिए इतना निकट संबंध है उनका हूँ लेकिन जो सेवक होते हैं भगवान के जैसे लक्ष्मण इत्यादि वो तो सेवन शक्ति है भगवान के ही सेवक बनकर उनके बहुत निकट सेवाएं करते हैं लक्ष्मण उनका संबंध प्रभु रामचंद्र से और भी निकट है जैसे लक्ष्मण ने एक बार बोला प्रभु रामचंद्र आ रहा है जंगल में लगता है कि आपके साथ युद्ध करके आपको पहले बगाया जंगल में इससे तृप्त नहीं है वो इधर आकर लड़ाई करके हमको वध करने के लिए आ रहा है तो प्रभुराम से ने बोला ठीक है तुम लड़ाई करो उसके साथ तुम राजा बन जाओ जाकर कुश्चन है तुम ऐसे प्रभुराम से ने बोला है राम से ने बोला अरे तुमको मालूम नहीं वो क्यों आ रहा है अभी आकर मुझे विनती करेगा आप जाकर अयोध्या में वापस लौट कर क्या करो आप राजा बनाओ इसके लिए आ रहा है तो उसके बाद लक्ष्मण को थोड़ा तो शर्म आ गया उसके बाद तो लक्ष्मण जल्दी क्रोधित हो जाते थे क्यों क्योंकि भगवान की सेवा में कुछ भगवान के भगवान के लिए कुछ कतरा नहीं होना चाहिए है इसके कारण ऐसे तो संबंध बहुत निकट था लक्ष्मण का और प्रभु रामचंद्र जी का फिर भी स्वामी और सेवक का संबंध था लेकिन वृंदावन में संबंध जो होता है और भी निकट होता है आपने कितने लोगों ने पिक्चर देखा है जिसमें हनुमान जी राम 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 और लक्ष्मण को अपने कंधे के ऊपर बिठाए हैं देखा आपने हाँ कभी आपने देखा है आ, हनुमान को अपने कंधे के ऊपर बिठाया कभी राम तो कभी देख नहीं पाएंगे लेकिन वृंदावन में देखेंगे आप इधर भी कृष्ण मुरली बजा रहे हैं तो गोप वाले बाग तो ही आ रहे हैं वो लोग अभी कुछ समय के बाद खेलेंगे वो और खेलने में अगर कृष्ण हार गए तो उनको क्या करना पड़ेगा गोपों को मेरे कंधे के ऊपर उठाना पड़ेगा जैसे बांडी रवट में हुआ ना परम के वधि के पहले कृष्णा और गोपाल वो खेल रहे थे कृष्ण का एक पार्टी था गोपोपाल बलराम का एक पार्टी था कृष्ण ने बोला गोपों को मेरे साइड में जिसको जुड़ना है जुड़ो सब कृष्ण के साइड में आ गए भगवान ने बोला बलराम के साथ भी कोई कुछ लोग जाओ उधर भी हैं कृष्ण को बहुत पसंद करते थे वृंदावन में सब ठीक है दोनों पार्टी बनाया उसमें किस पार्टी हार गया कृष्ण का पार्टी तो अलग अलग लोगों ने अलग गोप, अलग गोप को अपने कंधे के ऊपर उठाकर उनको इधर से उधर थोड़ा दूर लेके जाना है उनको बंडी रवटी एक पेड़ था उधर तक लेके जाना है कृष्ण ऐसे बैठ के पेड़ के नीचे बोले कि अरे सीधा मैं तुमको नहीं उठाऊँगा बोला श्याम ने बोला क्यों 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 हा? तो भगवान ने बोला उनको देखो मैं राजा का बेटा हूँ मालूम नहीं तुमको मैं नंदा बाबा का बेटा हूँ तो अब सीधा ने बोला देखो तो बाबू का बेटे हो सकते हो राजा के बेटे हो सकते हो लेकिन अभी खेल कूद में हम नहीं देखते कौन राजा का बेटा है कौन दूसरे का बेटा है तो भगवान ने मना किया सीधामा ने बाकी गोपाल को बुलाया है ये कृष्णा मुझे उठाने तैयार नहीं क्या किया जाए बाकी गोपाल बोले देखो काना नहीं उठाओगे ना तुमको कोने में बैठना पड़ेगा हम खेलेंगे तुमको ताली बजाने का बस हम आपको लेने वाले नहीं हैं खेल में कृष्ण तुरंत उठ गए नहीं नहीं ऐसे ही मजाक उड़ा रहा था चले जाओ बैठ जाओ हाँ तो बिठा लिया और बान्डी रेबत तक वो लेके जाने तो गोपों को इसमें क्या मजा है कभी कभी गांव में आपने देखा होगा कब अगर बैलगाड़ी जाता है ना बैलगाड़ी के पीछे कुछ बच्चे ऐसे पकड़ लेते हैं ऐसे वो लटका देते हैं अपने आप को है और वो चिल्लाता था एतर जाओ वो बोलते उधर जाते हैं उधर जाते हैं बोलते है, उधरते नहीं थे वो देखा आपने ऐसे ऐसे कुछ कंधे में चढ़ कर खेलना उनको इसमें मज़ा है उनको बच्चों को तो इस तरह के खेल कुछ किधर होता है वाइकुंडे में होता है किधर होता है गोलोक वृंदावन में होता है इसलिए इस तरह अगर आपको इस तरह के निकट पार्षद भगवान की बनना हो तो हमको गोलोक जाना पड़ेगा गोलोक में इस भक्ति को देने के लिए आप पहुंचे कौन चैत्र महाप्रभु इत्तम सताम ब्रह्म सुखानुभूत दास परदैवतेन मायाश्रिता नरदारकेण साकम विजर खुक तपुण्यपुंज भागवत में बताया गया कि जो ज्ञानी लोग हिमालय में जाकर कठोर तपस्या करके करोड़ों साल के बाद कृष्ण के श्रीचरणों की नख जो होता है उसकी चमक उसकी रोशनी को वो देख पाते हैं बस कौन ज्ञानी लोग योगी लोग लेकिन उसी कृष्ण के साथ एक गोप बालक एक बराबर उनके ही सह पर उनके साथ खेल रहे हैं कूद रहे हैं वृंदावन में कार हैं वन बोझ यमुना के तट में बैठ कर ये इनकी पढ़, इनकी भाग्य की सीमा है ऐसे सुखदेव गोस्वामी खुद आश्चर्यचकित होकर गोप बालकों की गुणगान करते हैं ऐसे गोप बालक ही नहीं वृंदावन के बारे में बोला जाए तो पेड़ पौधे घास फूस भी गाय बचते भी गोप बालक भी गोपियाँ भी हैं और सबके सब बड़े परम भाग्यशाली हैं इस तरह भगवान के प्रोपर से टू एंटर इनटू द पर्सनल लाइफ विद गॉड भगवान के व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको प्रवेश करना हो इस तरह माधुरी माधुरी भक्ति के अंदर प्रवेश करना हो हमको हम इस दुनिया के जो विलास और इस दुनिया के छोटे मोटे uh, सुख जो है क्षणिक सुख इनसे ऊपर उठकर हमारे मति को भगवान की शुद्ध भक्ति में लगाना पड़ेगा अन्य अभिलाषिता शून्य जैसे हम लोग स्कूल के सब बचपन में हम लोग अलग, अलग अलग खेल खेल देते है कि नहीं है हम बलून कर देते थे कभी फूट जाता था फाट करके है ना अभी अभी कोई बलून के लिए पीछे पड़ता है क्योंकि अभी आपका जिम्मेदारी आ गया बड़ा ज़िम्मेदारी है ना उससे आकर्षित नहीं होते इसी तरह इस दुनिया के क्षणिक सुख बलून जैसा ही है फाट निकल जाता है कुछ समय के लिए दिखता है और बाकी निकल जाता है लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो लोग भगवान के शुद्ध भक्ति में लग जाएंगे और उसमें जो आस्वादन है असली सत्यानंद उसको पाएंगे तो चैत्र महाप्रभु जब इधर आइए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण अन्य का मतलब क्या है ऊपर आप देख रहे हैं कृष्ण की रास नृत्य जो है और चैत्र महाप्रभु की संकीर्तन यज्ञ जो है इन दोनों में फर्क नहीं है आयिसे शास्त्र में बताया गया है लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में लाभ क्या है हमें चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कृष्ण की लीलाओं को समझना चाहिए क्योंकि चैतन्य लीला में विशाखा आती है किसके रूप में रामांध्रा के रूप में ललिता आती है किसके रूप में सरु दामोदर के रूप में, में। राधा राधा जी आती हैं किसके रूप में गदाधर पंडित के रूप में तो महाप्रभु की लीला में उनके इर्द गिर्द जो भी निकट निकट पार्षद थे सब पुरुष ही थे इसलिए उनकी चैत्र महाप्रु की लीला को जो सही ढंग से समझेगा वो वृंदावन की लीला में प्रवेश करेगा उसको किसी भी तरह का गलत फहमी नहीं होगा कुछ आ, वो मोह में नहीं पड़ेगा कभी कभी राधा कृष्ण की लीला को सही ढंग से ना समझ कर दुनियादारी लोग सोचते हैं कि ये भी कुछ लड़का लड़की के व्यवहार जैसे हैं ऐसे लोग सोचते हैं मूर्ख लोग लेकिन राधा कृष्ण और गोपियों की लीला जो है बड़े बड़े शंकराचार्य ने गोप्याष्टकम लिखा है ऐसे चैतन्य महाप्रभु सुखदेव गोस्वामी ऐसे महात्मा पुरुष सन्यासी लोगों ने राधा कृष्ण की और गोपियों की शुद्ध गोपियों की शुद्ध भक्ति की गुणगान की है इसलिए हमें ये बहुत बड़ा लाभ हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हम राधा कृष्ण लीला में प्रवेश कर सकते हैं ये पिक्चर में देख रहे हैं अभी आचार्य प्रभु उस ज उस जमाने में नवद्वीप में अनेक अनेक लोग धर्म के नाम में विविध देवी देवताओं की पूजा करते थे लोग उस समय ऐसे मनसा देवी जानते हैं सर्प हाँ? मनसा देवी की पूजा करते थे ऐसे अनेक देवताओं से पूजा करके पैसा अर्जित करना हमारे हाँ? हाँ? प्रभुपा जी ने भी देखा राधा गोविंद मंदिर जिधर था कलकत्ता में प्रभुपा जी बचपन में भवतारणी अपनी बहन के साथ जाते थे उधर रोज दर्शन के लिए जाते थे लेकिन आ, अमेरिका जाकर प्रचार काम करके जब वापस लौटाए उन्होंने सोचा कि राधा गोविंद की पर, सेवा के लिए कुछ पैसा मुझे देना चाहिए ऐसे सोचा प्रभाजी ने देखा उधर राधा गोविंद जी थे ही नहीं उधर उनके स्थान में उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा दुर्गा देवी का विग्रह आ गया था बहुत भीड़ भाड़ था उधर लोग उधर उनका वा, लाइक वो हम जय जयदीशाते हैं गा रहे थे ऐसे प्रभाजी ने उस मंदिर में जाकर पूछा कि अभी राधा गोविंद किधर है तो वो लोग ने बोला कि ऊपर ऊपर के माले में एक कोने में रखा जाकर देखे तो ऊपर गए उधर राधा गोविंद जी की डेटी उधर रखा था कुछ एक दो विधवाएँ आती थी, थी उधर देखने के लिए उधर कभी कभी एक आध बार कोई जाता था ऊपर देखने के लिए प्रभुपा ने बोला कि लोग दुर्गा माता के पास जाकर अनेक भौतिक पदार्थों को एकत्रित करना चाहते हैं लेकिन राधा गोविंद की शुद्ध भक्ति करके भगवत धाम नहीं लौटना चाहते हैं तो प्रभुपाजी ने उस जमाने में उस समय दो सौ रुपये दिया उनको बोला कि भगवान के लिए अच्छा कपड़े बनाकर पहनाओ हो ऐसे बोले का मतलब क्या है साधारण लोग धार्मिक होते हैं आस्तिक होते हैं लेकिन आस्तिक लोगों का केंद्र बिंदु क्या है खुद ही है हा? मुझे ये दो मुझे वो दो ऐसे लेकिन शुद्ध भक्ति का केंद्र बिंदु कौन है कृष्ण कृष्ण की माता कृष्ण के पिता कृष्ण के मित्र कृष्ण के लीला कृष्ण के धाम इसके ऊपर हम मति को लगाएंगे तो भगवत लौट जाएंगे अगर हम जाकर बोलेंगे सुख संपत्ति कर आवे कष्ट मिटे तन का इस की प्रार्थनाएं करेंगे हम बोल रहे हैं भगवान कष्ट मिटे तन का मतलब आप आकर हमको मसाज करो थोड़ा दर्द हो रहा है ऐसे बोल रहे हैं भगवान को भगवान सेवा नहीं लेना चाहिए भगवान को सेवा देनी चाहिए तो उस समय सब वैष्णव लोग जो कम मात्रा में थे बाकी लोग अनेक देवदेव की पूजा करने वाले लोग थे उस समय उन वैष्णव का लीडर कौन थे अद्वितचार्य प्रभु तब सब लोग अद्विताचार्य पर उनके पास गए तो लोग पंडित लोग भी शास्त्र पढ़ने वाले लोग उनके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता था सदा वो शुष्क वैराग्य और शुष्क ज्ञान इत्यादि प्रदान करते थे वो पंडित लोग भी ऐसे जैसे भट्टाचार्य थे मिश्र थे चौध, अनेक लोग थे ऐसे बहुत पढ़े लिखे थे पंडित भी थे लेकिन भक्त नहीं थे वो वो ज्ञानी थे योगी थे ऐसे लोग थे उस समय तो भक्तों को वो लोग कोसते भी थे कुछ लोग भक्तों को डांटते भी थे हे जोर से नाम आप क्यों लोग क्यों लेते हो जो भगवान दुग्ध सागर में लेटे हुए विष्णु जग जाएंगे अगर जग जाएंगे तो आंख खोलेंगे तो प्रलय आ जाएगा इसलिए उनको डिस्टर्ब मत करो ऐसे बोलते थे और कभी कभी कुछ लोग बोलते थे अरे आप लोग इतना ज़ोरदार कीर्तन मत करो वो मुसलमान लोग आ जाएंगे हमको पकड़ेंगे इस तरह अलग अलग लोग इस तरह के कोसते थे वैष्णवों को तो वैष्णव लोग बहुत दुखित हो जाते थे वैष्णव वैष्णव लो, लोग सोचते थे, थे कि इस दुनिया में भगवान की सरल भक्ति मार्ग को लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार अत्या चैट्ट के पास जाकर वो लोगों ने शिकायत की अतः चैट्र ने बोला कि मैं भगवान कृष्ण को ही विनती करूँगा आप खुद ही अवतरित हो जाओ हैं आप जब तक नहीं आएंगे ब्रज भक्ति समझने वाला कोई नहीं है हा? हम लोग नहीं कर पाएंगे ये हमसे नामुमकिन है आप खुद ही आइए देखिए जरा देख रहे हैं पिक्चर में अद्तााचार्य प्रभु एक शालीग्राम शिला को तुलसी और गंगा जल अर्पण करके भगवान को एक रागश्री नाम के एक राग गाकर भगवान को पुकारा उन्होंने हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 Ah <Sings> Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. गोविंद जय जय गोपाल जय जय दया साधारमण हरि गोविंद जय 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 गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरे गोविंद दया दया ऐसे अपने हृदय पूर्वक भक्ति भावना के साथ उन्होंने गाया तो ऐसे बताया चैतन्य भागवत में उनकी गाना नाम की नाम जो लिया उन्होंने वो इस ब्रह्मांड को भी छेद कर ब्रह्मज्योति को भी पार करके भगवान के गोलोक के तक पहुंच गया और भगवान कृष्ण ने सुन लिया जब भगवान कृष्ण किसी की ए, किसी के मुख से निरपराध नाम को सुनते हैं तुरंत भगवान उनको आदन उनके साथ आदान प्रदान करते हैं भगवान ने निश्चय कर लिया मेरे भक्त बुला रहे हैं मैं ज़रूर अवतरित हूँगा तो आज के दिन शाम को उधर नवद्वीप में भगवान अवतरित हुए एक नीम के पेड़ के नीचे और जगन्नाथ मिश्रा अब सची माता ये दोनों यशोदा नंद बाबा ही उस रूप में आते हैं ऐसे वैसे देखा जाए तो आप देखेंगे देव के और वसुदेव के रूप में आते हैं तो उनके भगवान बनते हैं उनका नाम क्या है वासुदेव है ना इसी तरह नंद बाबा और यशोदा के पुत्र बनते हैं भगवान वो कृष्ण हैं ब्रजेंद्र नंदन ऐसे बोलते हैं इसी तरह मेरु देवी नाभी उनके पुत्र के रूप में ऋषभदेव के रूप में आते हैं भगवान अपने ही भक्तों की भक्तों को खुश करने के लिए भगवान कभी उनके बच्चे बनकर आते हैं ऐसे तो निमा पंडित अवतरित हुए तो नीम के पेड़ के नीचे उनका जन्म हुआ इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई, निमाई नाम दिया गया ऐसे उनका नाम तो इधर आप देखते हैं सच्ची माता बैठी है तो अनेक देवताओं को इच्छा हुई भगवान को जाकर देखने के लिए देखिए देवता सब भगवान के भक्त हैं जैसे आप देवकी के गर्भ में जब भगवान थे उस समय आप प्रार्थनाएं सुनते हो गर्भस्तुति करके देवता आए थे ना प्रार्थना करने के लिए भगवान को इसी तरह इधर भी अनेक देवता अपने वेशभूष बदल कर एक साधारण नवदीपवासी जैसे तरबन पानकर इत्यादि पान कर, कर आगे अलग अलग बच्चे को भेंट देने के लिए अभी एक खास चीज़ हुआ गंगा के तट में अनेक ब्राह्मण एकटित हुए इसके कारण वट इज एक्लिप्स हाँ ग्रहण के दिन देखिए ग्रहण के दिन एकमात्र दिन वो लोग क्या करते थे भगवान का नाम लेते थे हे पुणरिकाक्षा हे गोविंदा ऐसे नाम पुकारते थे सिर्फ उस दिन इसलिए भगवान ने ऐसे अवतर्त हुआ उस उस समय में जब ग्रहण था उस समय सब लोग भगवान का नाम ले रहे थे जो तर्क वितर्क करने वाले थे निर्विशेषवादी भी थे वो भी लोग नाम लेते थे, थे. जिस्तर ग्रहण के समय उस समय भगवान अवतरित हुए इसलिए आप देखेंगे चैत्र महाप्रभु के जीवन में जन्म से लेकर उनके वैकुंठ गमन तक आप देखेंगे हमेशा वो लोगों को स्फूर्ति देते हैं नाम लेने के लिए अभी मैंने बताया अभी साधारण लोगों के मुख से भी नाम निकाला उन्होंने उसके बाद जब बच्चे बनकर आएँगे सच्ची माता के गोद में तब फूट फूट कर रोएंगे सब स्त्र आएंगी इसको कैसे शांत किया जाए तो भगवान का नाम ले वो स्त्रियाँ लेती थी तुरंत वो शांत हो जाते थे तो अगर वो लोग रो, रोक दिया नाम तो क्या करते थे वापस रोने लगते थे ऐसे तो इस तरह उन नाम बुलवा कर अपना रोना बंद कर देते ऐसे इसी तरह आप देखेंगे महाप्रभु दक्षिण भारत में जाकर नाम का प्रचार करते हैं झारखंड जंगल में जानवरों को भी नाम बुलवाते हैं उनके मुख से भी आप देखेंगे ऐसे प्रकाशन सरस्वती और उनके हज़ारों शिष्यों को मायावादियों को वाराणसी में जाकर सबको हरिनाम की महिमा बताकर उनको जोड़ दिया भक्ति मार्ग में उन्होंने ऐसे और महाप्रभु का आदर देखेंगे कहीं भी जाएंगे सदा कीर्तन करेंगे क्योंकि वो कीर्तन हरिनाम संकीर्तन को प्रदान करने के लिए आए हुए युगा है वो वह इसलिए वो ही खास उनका भेंट है तो निमाई एक दिन घर के पीछे घर के आंगन में वो मिट्टी को उठाकर का रहे थे जब सची माता ने देखा बेटे को रोका उन्होंने ये हे निमाई तुम क्या कर रहे हो हा? मैं तो तुमको पेड़ा बनाकर दे रही हूँ तुम जाकर मिट्टी खाते हो तो अब निमाई देखिए निमाई तो इतना छोटा बच्चा था लेकिन बड़ा -बाद, बड़ा बात बड़ा बड़ा बात करने लगा उसने बोला माँ यार पैसे देखा जाए तो सब पंचमहाभूत ही है हा? तो अगर मैं मिट्टी काऊँगा पेड़ा कहूँगा सब किससे बना हुआ है पंचमहभूत हाँ हा? ये ये मायावती को फिलासफी है तो निमाई बोला वो जैसे माहे बज्र बोलते हैं ना ब्रह्म सत्य हम जगत मिथ्या जगत तो मिथ्या ही है ऐसे लेकिन माँ बड़ी बुद्धिमान थी सची माता उसने बोला ये निमाही देखो अगर तुम्हारे पास एक ईट होगा हा? वो भी मिट्टी से बना हुआ है एक गढ़ा होता वो भी मिट्टी से बना हुआ है लेकिन गड़े में हम पानी रख सकते हैं लेकिन ईट के ऊपर पानी नहीं रख पाओगे है कि नहीं इसलिए ईट अलग है गड़ा अलग है मानते हो कि नहीं तो सुना हाँ अच्छा पता है आपने इसलिए पेड़ा का अभी मिट्टी मत का हो हाँ देखिए इस तरह आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु देखिए कृष्ण जब अवतरित होते हैं दुनिया में ऐसा नहीं कि खुद ही सिखाएंगे हमेशा अपने भक्तों के द्वारा भी दुनिया को अनेक चीज़ सिखाएंगे जैसे हरिदास ठाकुर को नामाचार्य बनाकर उनके द्वारा हरिनाम की महिमा सिखाया उन्होंने इस तरह अपने माँ सचि माता के द्वारा ही मायावादियों को खंडन कर रहे हैं भगवान हाँ? अरे मायावादियों एक स्त्री भी जो वैष्णवी है तुम्हारे फिलहाल को खंडन कर सकती है वो सिखाना चाहते हैं ऐसे और ऐसे उनके घर में निमाई निमाई को एक दिन सची माता और जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि ऋण झुन हमने गाया ना गीत में ऋण झुन का मतलब है छु 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 ऐसे आवाज़ आया है तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ है आवाज़ किधर से आ रहा है उस समय उन्होंने उनको नूपुर नहीं पहनाया था किसको निमाई।, निमाई को अगर बच्चा दौड़ता भी है नूपुर पहनाए बिना आवाज़ कैसे आएगा तो तब जगन्नाथ मिश्र बता रहे थे कि हो सकता है हमारे शालिग्राम शिला, शिला वो दामोदर शिला हाँ वो भगवान घर में लीला कुछ करते होंगे ऐसे लेकिन आवाज आ रहा था किसके पाँव से निवा के पाँव से आ रहा था इस तरह उनके घर में अनेक अद्भुत घटनाएं घटती थी भगवान अपनी दिव्यता को टाइम टाइम प्रकट करते थे ऐसे ही एक दिन जैसे सचि माता ने देखा वो अंदर के कमरे में से बहुत सुंदर भगवान के नामों का कीर्तन आ रहा था जैसे गोपियाँ वृंदावन में नाचती हैं और राशन नृत्य में नाचती गाते हैं उस तरह का सुंदर आवाज़ आ रहा था अचानक सची माता को घटना एक क्षण मात्र के लिए दिखाई दिया और अप्रकट हो गया इसे इस तरह के कृष्ण की लीला में जो घटना घटती थी वो सब इनके जीवन में भी देखने को माता पिता को मिला और बाकी लोगों को मिला इसे तो ये निमाय पंडित की बाल्यावस्था है अनेक लीला क्या है एक दिन घर के पीछे बगीचे में थे उधर एक कोबरा बहुत बड़ा सर्प है सर्प धीरे धीरे आ रहा था तो बाकी लोग लोगों ने देखा वो पीछे नहीं है शायद मेरे पास हां? तो उसमें भा बा, बाकी ईशान ठाकुर करके घर में एक नौकर भी था सच माता थी तो वो लोग बच्चे को लेके जाने के लिए आए देखा उन्होंने वो जो सर्प था वो उसको अपने शरीर में लपेट लिया किसने हाँ निमाने लपेट लिया उसके साथ कुछ बातचीत कर रहा है वो तो ये लोग डर गए चिल्लाने गए सर्प सर्प बचाओ बचाओ बचा, नरसिम्हा नरसिम्हा ऐसे हैं तो सर्प इन लोगों का आवाज़ सुनकर तुरंत उनको छोड़कर निकल गया वो सर्प कौन था आनंद शेष था लेकिन ये लोग को मालूम नहीं था कि अनंत शेष है इस तरह की लिहाँ करते थे बचपन में तो एक दिन सची माता ने उनको एक स्वप्न देखा उन्होंने तो इनका बड़ा भाई उनका नाम था विश्वरूप तो विश्वरूप हमेशा भागवत कथा श्रवण करने के लिए अद्वैताचार्य प्रभु के घर में जाता था अद्विताचार्य सब ब्राह्मणों के लीडर थे वो उनके घर में अनेक वैष्णव साथ में बैठ कथा सुनते थे तो वो भी जाता था लेकिन शांत स्वभाव का था वो विश्वरूप आई से बैठ सुनता था तो उन्होंने एक दिन निर्णय लिया कि मैं संन्यास लेकर प्रचार प्रसार काम में लग जाऊंगा तो वो घर छोड़कर पंडरपुर गया पंडरपुर में वो शंकरारण्य स्वामी करके वो सन्यास लेकर उधर चले गए थे तभी माँ सची माता को डर हो गया कि अगर मेरे निमाएँ यह भी पढ़ा लिखा हो जाएगा तो पढ़ा लिखा होने के बाद शास्त्र पढ़ेगा शास्त्र पढ़कर अगर इसके भी बुद्धि में इच्छा होगी कि मैं विरक्ति का मार्ग को अपनाऊँ और अपने बड़े भाई जो किया वो ही अगर ये भी करेगा घर छोड़कर चला जाएगा इसलिए इसके गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करने की पद्धति जो है उसको रोक दिया जाए ऐसे उन्होंने विनती किया इनको जगन्नाथ मिश्र को इसको स्कूल में मत भेजिए वो अनपढ़ हो अंगूठा छापो घर में ही रहने दीजिए जीवन भर मेरे साथ रहेगा ऐसे ठीक है जगन्नाथ मिश्र ने बोला अगर आपकी मर्जी अगर आपकी इच्छा नहीं स्कूल में भेजने के लिए घर में रहने दीजिए तो अपने स्वप्न को उनको बताकर ऐसे बता दिया माता ने तो अभी घर में बहुत शरारती करने लगा का उन बहुत शरारती करता था घर में तो एक दिन देखिए उन दिनों में क्या करते थे गड़े में अन्न पका, पकाते थे बनाते थे उसके बाद उस गड़ा को फेंक देते थे घर के पीछे एक ही बार इस्तेमाल करते थे उस ज़माने में दूसरी बार कभी नहीं वो दूसरे बार उसको इस्तेमाल करने के लिए योग्य नहीं है वो उसको फेंक देते थे वो इस तरह सारे गड़ा कब काला काला हो जाती थी चूल्हे के ये होता है ना कोयला के कारण काला काला हो जाती थी वो ऐसे तो वो बहुत बड़ा अनेक गढ़ों का एक बहुत बड़ा पहाड़ था तो एक दिन निमाय क्या किया उसके ऊपर चढ़ गया उधर जाकर बैठ गया ऊपर सची माता घर के बाहर आकर देखा गया ये निमाय ऊपर क्यों बैठे हो जाकर गंदा है सब काला काला उधर जाकर तुम्हारे शरीर में पूरा कार्बन आ गया है अभी गौर सुंदर श्याम सुंदर हो गए थी उस काले के कारण उधर क्यों जाकर बैठे हो वो बोला देखो माता आपने पढ़ाई करने के लिए छोड़ा नहीं स्कूल में नहीं जाएंगे तो ये सब कैसे पता चलेगा शुद्ध कैसे रहना अशुद्ध कैसे होना हम पढ़ाई ना होने के कारण इस तरह के मैं काम करता हूँ ऐसे बोला उन्होंने तब जगन्नाथ मिश्र ने, ने बोला उनको सचि को बोला देखो सची जिसको जो करना है ही करेगा हैं तो उन्होंने बोला इसको स्कूल में भेजना अच्छा है नहीं तो बहुत तुमको शरारि करता है घर में तो स्कूल में भेजे गए स्कूल जाने के बाद क्या हुआ ये गंगा के तट है वो अपने सब मित्रों को बालकों के साथ स्कूल से जब वापस लौट आते थे घर नहीं आते थे, थे। किधर जाते थे गंगा में जाते थे तो गंगा में जाकर उधर गंगा के पानी में तैरना खेल करना कूदना अलग अलग तरीके के खेलते खेलते थे कभी क्योंकि ये तो कृष्ण ही है ना कृष्ण भी बाल लीला करते हैं ना कृष्ण के अंदर शरारती बहुत है ना इस तरह इनके अंदर भी शरारती था कभी कोई ब्राह्मण अगर पानी के अंदर बैठ कर ऐसे गायत्र कर रहा हो तो मुख में पानी लेते तो <laughs> करते थे ऐसे हैं ब्राह्मण तो ये ब्राह्मण लोग जाकर शिकायत करते थे इनको जगन्नाथ मिश्र को बोलते थे ऐसे तो इधर जो उधर लड़कियां आती थी उधर कातियानी के लिए वो लड्डू बना कर लाती थी, थी कांत्यानी व्रत इत्यादि करने के लिए तो उसको लड्डू को सामने रखकर आंग बंद के कर प्रार्थना करती थी वो तो लड्डू उठा लेते थे वो और वो लड़कियां बोलती थी थे हे निमा ये तुम्हारे लिए नहीं है ये हम पूजा करने के लिए लाए हैं हा? वो बोलते थे मैं कांत्यानी का भी स्वामी हूँ मैं तुम चिंता मत करो हाँ अरे तुमको चाहे तो हम अलग बना कर देंगे इसको क्यों तुम उठा रहे हो तो बोलते थे देखो अगर आप लोग मुझे ये लड्डू दे दोगे तो मैं आशीर्वाद दूंगा कि तुमको अच्छे अच्छे पति मिलेगा जो बड़ा ज़मींदार होगा बड़ा धनी होगा तुमको अच्छा साड़ी देगा अच्छा आभूषण देगा अच्छा रखेगा आपको लेकिन अगर अब लड्डू खाने नहीं दोगे तो मैं आपको ऐसे एक शाप दूंगा जिससे अस्सी उम्र का अस्सी से भी ज़्यादा उम्र का बुढ़ा मिलेगा आपको पति के रूप में तो कुरूप वाला होगा वो कुछ नहीं दे पाएगा गरीब होगा ऐसे बोलते थे सोचो सब लड़कियाँ डर जाती थी पर जी कह जो लेना ले लो तो दे देते दे दे रहते हैं तो ये सब शिकायत करती थी जाकर किसको सची माता को और बाकी ब्राह्मण लोग भी शिकायत करते थे इनको जगन्नाथ मिश्र को तो ये एक दिन जगन्नाथ मिश्र बहुत नाराज़ हो गए हैं ये बहुत शरारती करता इसको है इसको सुधारना पड़ेगा अभी हैं बचपन से इसको ठीक पथ पर लाना पड़ेगा ऐसे ऐसे तब तो निमा के मित्रों ने बोल दिया एक मित्र आकर बोल दिया निमाय को अरे नमाए नमाएँ तुम्हारे पिता जा रहे हैं गंगा में रहे हैं अब आकर तुमको पकड़ने वाले हैं है? तो निमाय ने क्या किया दूसरी रोड से भाग गए वो हैं अब घर भाग गए हैं और अपने हाथ में थोड़ा इंक भी लगा लगा दिया स्याही भी लगा लिया है ऐसे मासूम चेहरा दिखाया उन्होंने मानो उन्होंने कुछ नहीं किया तो पिताजी देखा गंगा में नहीं है वो ब्राह्मण लोग क्यों ऐसे शिकायत करते हैं वापस घर लौट आकर देखा घर में निमा बहुत गंभीरता से पढ़ रहे थे वो <laughs> तो क्योंकि पहले तो बीघा था ना पूरा सुखा का सुख सुखा दिया उन्होंने अपने बाल को इत्यादि तो पिताजी ने पिताजी को सची माता ने बोला कि इधर ही है वो बेटा कुछ नहीं किया वो तो पिताजी को आश्चर्यवाद कि है शिकायत क्यों करते हैं लोग हैं तो इस तरह के बाल लिल्ला बहुत किया उन्होंने उसके बाद वो युवक होने के बाद वो निमाय पंडित बने निवाय पंडित पंडित बने वो हु? पंडित बनकर अनेक विद्यार्थियों को साथ में लाकर वो न्याय शास्त्र सिखाते थे उधर नवद्वीप में बहुत से लोग न्याय सिखाने वाले ब्राह्मण थे लेकिन उनमें से श्रेष्ठ बने वो हु? बहुत गहराई से पढ़ाई की थी उन्होंने तो रोज सुबह अपने हाथ में किताबों को लेकर निवाय पंडित बहुत सुंदर घंघुराले बालों के साथ उनके चेहरा चंद्रमा जैसे खूबसूरत थी और जनेयु पहने थे जैसे पीताम्बर जैसे कपड़े पहनते थे तो वो जाते थे अनेक लोग इनकी खूबसूरती को देखते थे वैष्णव लोग बोलते थे अगर एक दिन ही भक्त बन जाता तो कितना अच्छा होता ये भी हमारे लिए कितना सपोर्ट होगा भक्ति मार्ग का प्रचार कर सकता है इसको देखते ही हमको आकर्षण होता है लेकिन हम निकट जाते हैं तो अलग अलग न्याय तर्क इत्यादि करता है वो सुनने के लिए मजा नहीं आता हमको हमको इसलिए वैष्णव लोग दूर से देखते थे अगर निमाय निकट आ तो भाग जाते थे ऐसे हाँ ऐसे ही एक दिन मुकुंद मुकुंद नाम का एक वैष्णव आया सड़क में तो वह निमाय पंडित तो अपने स्टूडेंट्स के साथ आ रहा था उसको देखते ही वो भाग गया उधर से तो निमा पंडित पुकारा हे मुकुंद क्यों भाग रहे हो तुम हाँ तो अपने मित्रों अपने स्टूडेंट्स को पूछा क्यों भाग रहा है मुकुंद तो विद्यार्थियों ने बोला हो सकता है घर में कुछ बोल गया होगा इसलिए निकल गया वापस निमाय पंडित बोले नहीं नहीं मुझे मालूम है क्यों भाग रहा है क्योंकि वैष्णव लोग प्रजल्प नहीं करना चाहते सदा भगवान के बारे में गुणगान करते हैं प्रजल्प नहीं करना चाहते और ज़ोर से बोला उन्होंने ए मुकुंद एक दिन आएगा मैं ऐसे वैष्णव बनूंगा जो ब्रह्मा और शिव जी में, में मेरे पाँव पकड़ेंगे ऐसे मैं भक्ति करूंगा ऐसे निमाय पंडित ने बोला क्योंकि कृष्ण ऐसे भक्ति को सारे दुनिया को प्रदर्शित करने वाले थे लेकिन अभी नहीं बाद में लेकिन उन्होंने इस तरह का भूमिका क्यों निभाया उन्होंने कुछ कुछ वैष्णव होते थे जैसे शिवास ठाकुर एक दिन आए सड़क में बड़े ब्राह्मण परिवार के थे सब लोग उनका आदर बहुत देते थे ऐसे उन्होंने निमाय पंडित को देखा बोला ए निमाय पंडित इधर आओ तुम ये सब तर्क वितर की किताबों को त्याग दो तिलक पहनो नाम जपो है? और शुद्ध भक्ति में जुड़ जाओ बस छोड़ दो ये सब चीज़ों को ऐसे बोला धनी पंडित मुस्कुराते तो हुए हाथ जोड़कर बोला कि आप जैसे वैष्णव के आशीर्वाद होगा तो ज़रूर एक दिन मैं वैष्णव बनूँगा हाँ ऐसे बोलकर वो निकल गया हाँ तो अक्सर लोग वैष्णव इनके बातचीत के साथ के बारे में बातचीत करते थे हाँ एक दिन कोलवेज कोलेवेज नाम का एक व्यक्ति केला का पत्ता बेचता था केले के फूल बेचता था ऐसे तो केला के अनेक चीज़ बेचता था वो तो उसके दुकान में जाकर वो कृष्ण के महान भक्त था वो वो विशुद्ध भक्त था तो निवाय पंडित जाकर चुन चुन कर सब लेते थे अगर चार रुपये का लेते थे तो बोलते थे मैं से दो रुपया दूंगा तुमको हाँ तो वो बोलता था देखो हमको ये परवड़े का नहीं है हमको नहीं चाहिए तो तुम दूसरे दुकान में जाकर लो है लेकिन वो नहीं लेते थे बोलते थे कि तुम जैसे अच्छा व्यक्ति मुझे मिल गया मैं क्यों ले क्यों दूसरे दुकान में जाओ हैं तो उधर ही उसके साथ इस तरह शरारती करते थे तो वो भी निमाय पंडित को देखकर उसके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता था लेकिन मालूम नहीं था कि ये कौन है ये योग माया बोलते हैं इसको है? योग माया के कारण है तो एक दिन वो बोला कोले बेचर देखो नमाएँ तुम हर दिन आकर हट करते हो मेरे दुकान में तुमको मालूम है क्या जो भी पैसा मुझे मिलता है आधा पैसा मैं गंगा की पूजा में लगाता हूँ तो निमाय ने बोला उनको बोला कि तुमको मालूम नहीं गंगा तो मेरे मेरे पाँव से ही बहती है गंगा हाँ ऐसे बोला उन्होंने वो मेरी दासी है तो उसको सुनकर कोले बच्चे अपने कान बंद कर लिया विष्णु विष्णु बोला ये क्या ये लड़का अपने आप को भगवान मान रहा है लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये साक्षात भगवान ही है इस तरह की अनेक लीला होती थी उधर नवद्वीप में तो एक दिन ईश्वरपुरी नाम के एक महान वैष्णव आ पहुँचे अद्विताचार्य प्रभु के घर के बाहर उस दिन भागवत कथा चल रहा था अद्वैताचार्य बोल रहे थे बाहर जाकर वो बैठ गए बैठ कर वो भी कथा श्रवण कर रहे थे तो ऐसे कथा का प्रवाह बहुत सुंदर बढ़ रहा था तो ईश्वरपुरी की आंखों से प्रेमाशु बहने लगा वो बेहोश होकर गिर पड़े नीचे तो अद्विताचार्य उठ गए बाहर जाकर पूछा आप कौन हो तो ईश्वरपुरी ने अपने व्यक्तित्व को बताया नहीं वो बोले कि मैं तो दासों का दास हूँ ऐसे बोला उन्होंने तब बाकी लोगों ने पहचाना कि ये महान वैष्णव है ये कौन ईश्वरपुरी है तब समझ गए सब लोगों ने उनको उठाकर अंदर लाया है इस तरह है। तो उस समय गदाधर पंडित थे नवद्वीप में उन्होंने उनको स्वागत किया कि आइए मेरे घर में आप ठहर सकते हैं तो मैं बाद में पढ़ा चैतन्य भागवत में सात महीना ठहरे वो तो उदय नवद्वीप में कौन ईश्वरपुरी और रात हर दिन रात को वो कृष्ण लीला बताते थे उनका एक किताब था कृष्ण लीला अमृतम करके एक किताब था उधर से कृष्ण की लीला बताते थे तो ये एक समय निमाय पंडित को भी मौका मिला गदाधर पंडित के द्वारा उनके घर में जाने के लिए और कृष्ण लीला का कथा श्रवण किया उनसे किससे ईश्वरपुर से, इश्णपर से।, इश्णपर से। हाँ। तो दूसरे दिन ईश्वरपुर जब आ रहे थे सड़क में ऐसे निमाय पंडित आ रहे थे निमाय पंडित ने उनको विनती कि आइए मेरे घर में आकर आप प्रसाद पाइए तो उनको प्रसाद जो भी कुकिंग किया था घर में पूरा परोस दिया उनको ऐसे हाँ इस तरह उनकी कथा भी श्रवण किया प्रसाद सेवा भी किया उनको गुरु जी को हा? उसके बाद भी तर्क वितर्क इत्यादि में लगते थे निमाय पंडित लेकिन जब उनके पिताजी का देहांत हुआ उसके बाद गया में श्राद्ध करने के लिए निमाय पंडित गए हा? उस समय उधर एक मंदिर आज भी है विष्णुपदी मंदिर करके एक मंदिर है उधर विष्णु के श्रीचरण है उधर ब्राह्मण लोग फूल अर्पण करते हैं अनेक आ, मंत्रों को उच्चारण करते हैं तो ब्राह्मण लोग बोल रहे थे तब निवाय पंडित पहुंचा उस मंदिर में उधर बैठ कर उन्होंने ये बात सुना ब्राह्मण लोग बोल रहे थे यही श्री चरण है भगवान की जिस पाँव को भगवान की पदकमलों को लक्ष्मी जी पाद समाधन करती है यही श्री चरण है जैसे गंगा भती है यही श्री चरण है जिसको भगवान ने बलि महाराज के सर के ऊपर रखा था वामन देव ने ऐसे तो इनके चरण से बहने वाली पानी गंगा को शिवजी भी धारण करते हैं अपने सर के ऊपर क्योंकि अति पवित्र है मंगलमय है इस तरह उनके श्री चरणों की गुणगान हुई यही श्री चरण है जिसको गोपियाँ गुणगान करती हैं प्रणत पाप पापक प्रणत देखना पापकर्षण ऋणचराुगम श्रीनिकेतन ऋणचराुगम श्रेनिकेतन पणिपणापित ते पदाम्बुजम् फणिपणार्पितम् क्षे पदाम्बुजम् कृणकुचे शुनः कृन्दिहृशयं कृणकुचे शुनः गोपियां बोलती है गोपी गीता में कि हे भगवान आपके चरण में एक वज्र है वज्र का चिन्ह है वो वज्र पहाड़ जैसे पाप के बोझ को भी चूर चूर करने की क्षमता है उसमें बता बताती है और उस चरण की धूलि को आपने कालिया के ऊपर सर के ऊपर आपने डाला जब आप नृत्य किया कालिया के ऊपर इस तरह कालिया अपने विश और इन चीज़ों से मुक्त होकर वो शुद्ध हो गया वो कालिया इतना इस तरह बताते हैं तो जब निमाय पंडित ने ये सब भगवान के चरण की महिमा सुना उनकी आँखों से ऐसे पाने ऐसे प्रेमाश्रु गंगा यमुना जैसे बहने लगी उनकी आँखों से प्रेमाश्रु उस समय अंदर प्रवेश किया उस मंदिर में कौन ईश्वरपुरी तुरंत निमाय पंडित उठकर उनकी ओर भागा उनके चरणों को पकड़ा बोला कि गुरुजी आपसे मुझे दीक्षा लेना है दीक्षा दे दीजिए तो दीक्षा दिया दीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे वो बोले कि मुझे मालूम है तुम साक्षात कृष्ण हो है। तुम मेरे स्वामी हो मैं तुम्हारा एक भक्त हूँ दास हूँ मैं कैसे तुमको दीक्षा दे सकता हूँ तो बोले कि आ, आप मुझे दीक्षा मैं एक लीला करने के लिए आया हूँ भक्त के रूप में इसलिए आप मेरी इच्छा को पूर्ति कीजिए तो भगवान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उन्होंने निमाय पंडित को अपने शिष्य के रूप में स्वीकारा उन्होंने ईश्वरों पर उसके बाद निमाय पंडित वापस लौट आए उधर नवद्वीप में उनका आने के पहले उधर कन्या नठशाला में उन्होंने कृष्ण का पहली बार दर्शन प्राप्त होता है उनको कृष्ण प्रकट होते हैं एक पेड़ के सामने जब उसके निकट जाते हैं वह प्रकट होकर दूसरे पेड़ में भी प्रकट होते हैं कृष्ण ऐसे ये कृष्ण की दर्शन पाकर जब निमाय पंडित आते हैं नवद्वीप में उनका पूरा माहौल बदल गया है पहले तो निमाय पंडित अपने विद्यार्थियों को बुलाकर बिठाकर न्याय सिखाते थे व्याकरण इत्यादि सिखाते थे अभी वो बोलने लगे कि हर शब्द कृष्ण से जुड़ा हुआ है उसके मूल धातु क्या है कृष्ण ही है ऐसे सिखाने सुबह से शाम तक विद्यार्थियों को पूछा आप लोगों को क्या सिखाया मैंने बताओ वो बोले कि अभी हमने पूरा दिन कृष्ण के बारे में ही सीखा हमने बाकी कुछ नहीं सीखा हमने तो बोल ठीक है सब अपने नोटबुक किताब को बंद कर दो बाजे में रख दो सब उनको उठा दिया सबको और ये गान ले गए हरे हर ये नम कृष्ण यादव आय नम हर कृष्ण यादव आय याद गोपाल गोविंद राम सी मधुसूद गोपाल गोविंद राम हरे हरे नम कृष्ण नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसुदान इस तरह सब विद्यार्थियों को नचाया उन्होंने हरि नाम में तो उसके बाद ने सोचा बस सभी व्याकरण के चतुर्षपाठी इत्यादि को बंद करके मैं पूरा हरिनाम में लग जाऊंगा तो उस समय वैष्णवों को पता चल गया कि निवाय पंडित बन गया महान वैष्णव हैं इतने महान शुद्ध वैष्णव बन गया अभी कृष्ण को खोज रहा है।, है उसके आँखों से प्रेमाश्र बह रहा है तो सुबह सुबह लोग बगीचे में जाकर फूल तोड़ने के लिए जाते थे वैष्णव लोग एक दूसरे से मिलते थे उस समय बोलने लगा बोलने लगे एक दूसरे को जैसे श्रीपति श्रीनिधि श्री राम और बाकी शिवा शिवा सांगन में अनेक वैष्णव मिलते थे उसके पहले भी लेकिन अभी वैष्णव आपस में बोलने लगे कि देखा तुमने तुमको संदेश मिला कि नहीं निमाय पंडित महान वैष्णव बन चुका है सब लोग खुश होकर भागने लगे निमाय पंडित की घर की ओर देखा कि निमाय सबको पूछ रहे थे मेरे कृष्ण की तरह कृष्ण दिखाइए मुझे इस तरह जब गदाधर पंडित आए उनके यहाँ तब कृष्ण को ढूँढ देखिए अपने अपने छाती को फाड़ने लगे निमाय पंडित तब गदाधर पंडित ने बोला उनको हे निमाय चिंता मत करो कृष्ण अब भी आ रहे हैं कुछ मिनट में आ जाएंगे इधर तब वो शांत हुए ऐसे तो अब सब वैष्णव खुश हो गए निमाय को अपने गले मिलाया अपने साथ में लेके गए सब लोग हैं अभी निमाय पंडित ने बोला कि आप लोग दिन में कीर्तन करते हो रात के समय सोकर समय की बर्बादी क्यों करते हो है? हम दिन रात दोनों टाइम हम कीर्तन करेंगे इस तरह दिन रात कीर्तन चालू कर दिया शिवा संगन में बहुत सुंदर गाना गाते थे उधर क्या गाते थे वैष्णव के साथ कृष्ण राम मुकुंद मोरा वन माले कृष्ण राम मुकुंदम रे वना कृष्ण राम मुकुंद मोरारे वन माले मुरारी माले, मुरारी माले। ये नामों को अक्सर गाते थे उधर शिवा शिवासांगन में और जैसे इधर आप देख रहे हैं प्रभु बीच में बैठे हैं प्रभु ये सब उनके वैष्णव पार्षद हैं तो महाप्रभु निवाय पंडित नाम से पुकारे जाते थे उस समय अपने भगवत्ता को भी उन्होंने प्रदर्शित किया एक महाप्रकाश लीला में विष्णु के सिंहासन में बैठ कर उन्होंने अनेक विविध तरीके से कैसे मैं साक्षात कृष्ण हूँ उस बात का भी निरूपण किया उन्होंने तो इसलिए सब वैष्णव समझ गए ये, ये सिर्फ भक्त नहीं है हम लोग अभी तक सोच रहे थे कि भक्त है लेकिन अभी हम समझ गए कि साक्षात भगवान कृष्ण ही है इसलिए आप देखेंगे इधर चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्ता को एक दिन वराह वराह रूप दिखाया उनको वराह रूप दिख उधर एक कमंडल था कमंडल को अपने नाक के ऊपर लेकर वराह इधर उधर तो मुरारी गुप्ता देख रहा है इधर देखे इस तरह और एक दिन संगने में आए थे विष्णु सहसन नाम पाठ कर रहे थे ब्राह्मण लोग नरसिमहप श्रीमान केशव पुरुषोत्तम ऐसे वो लोग उच्चारण कर रहे थे तो नरसिंह की नाम सुनते ही चैतन्य महाप्रभु तुरंत नरसिंह रूप धारण कर लिया उन्होंने हैं और बाहर भागने लगे सड़क में हैं मान लीजिए अगर कोई नरसिंह जैसे नरसिंह रूप जो खम्भ से निकला नरसिंह रूप हा? तो वो रूप लेकर भगवान नरसिंह सड़क में भागते हैं तो क्या होगा हैं सब लोग इधर उधर बिगड़ गए भागने लगे चिल्ला तो ये नरसिम्ह आ गया नरसिम डर <laughs> के मारे तो भगवान चैत्र महापुर वापस अंदर आ गए और बोले शिवास को अपने रूप को बदल लिया चैत्र महापुर के रूप में हे शिवास मुझे ये अफसोस हो रहा है कि मैंने सब भक्तों को डरा दिया इस तरह वो बोले नहीं नहीं भगवान आप नरसिम्ह के रूप में जब आते हो कोई डरता नहीं आप उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए आते हो आप हैं इस तरह उन्होंने विविध रूपों को भी प्रकट किया भक्तों को इधर आप देखते हैं चैत्र महाप्रभु इसके बाद आगे क्या होता है तब नित्यानंद प्रभु चैत्र महाप्रभु से बारह साल वरिष्ठ हैं वायस में तो वो सारे भारत का भ्रमण करने के बाद वृंदावन में श्रृंगार वट में आकर रहते हैं नित्यानंद प्रभु इंतज़ार कर रहे हैं कब निमाय पंडित तो मुझे पुकारेंगे अंदर पुकार आएगा तब जाऊंगा मैं जब वो अपना संकीर्तन मिशन चालू करेंगे तब मैं जाऊंगा इंतज़ार राह देखते रहते हैं तब ये एक बार निमा इनको नित्यानंद को समझ में आ गया कि अभी छत महाप्रभु ने अपने शिवासांगन में अपने लीलाओं को चालू कर दिया हरिनाम संकीर्तन की अभी हरिनाम संकीर्तन अंदर ही अंदर क्या करना है सारे दुनिया को उसको फैलाना है इसलिए मैं जाकर उनके साथ जुड़ जाऊंगा इस तरह सोचकर नित्यानंद प्रभु भी वृंदावन को छोड़कर नवद्वीप पहुंच गए और नंदनाचार्य के घर में जाकर एक घर है हमारे मायापुर मंदिर के निकट नंदनाचार्य करके एक भक्त है उनके घर में जाकर छुप गए एक दिन शिवा शिवासंगन में चैत्र महाप्रभु ने बुलाया सब भक्तों को कल रात को मेरा एक स्वप्न मिला मुझे उस स्वप्न में एक व्यक्ति एक सोने रथ में आ पहुंचा है और वो नीला धोती पाना था वो एकदम खूबसूरत था गोरे रंग का था वो हैं और उसके हाथ में हल था उसने पूछा कि ये क्या निमाय पंडित का घर है क्या वैसे पूछा उसने बार बार मैंने बोला हाँ हाँ बोला क्या चाहिए तुमको उसने मुस्कुराए बोला कि मैं उसका भैया हूँ भाई हूँ और उन्होंने बुलाया उनका आओ करके बोला नहीं नहीं जल्दी ही जल्द तुम मुझे मिलोगे इस तरह बोलकर वो आप प्रकट हो गए वो तो महाप्रभु ने सब वक्तों को पूछा कि आप लोग जाओ बाहर मार्केट में जाओ जिधर लोग नहाते हैं घाट्स घाट्स बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं घाट को घाट ही बोलते हैं घाट में जाओ मार्केट में जाओ घर घर में जाओ ढूँढो वो किधर है वो व्यक्ति मैं उनको मिलना चाहता हूँ सब वैष्णव गए आठ घंटा गए सुबह से शाम तक वो मिल नहीं पाया वो हैं सब लोग वापस आकर बोले कि एक भी घर नहीं है इधर जिधर जि, हम नहीं देखा सब घरों में हमने देखे मिले नहीं वो तो महाप्रभु ने बोला आइए मेरे साथ मैं दिखाऊँगा आपको तो आगे गए सिम्ह मत सिम्ह के बराबर चल रहे थे महाप्रभु उनके पीछे सब वैष्णव गए तो सीधा पहुंच गए किसके घर में नंदनाचार्य के घर में पहुंच गए उधर नित्यानंद प्रभु जैसे हम लोग वज्रासन बोलते हैं मालूम आपको वज्रासन में बैठे हैं वो शासन उस मुद्रा में बैठे थे नित्यानंद प्रभु बहुत सुंदर नीले धोती पहनकर जो ने, उनका ये होता था क्या बोलते हैं मोती से बना हुआ एक माला होता था उनके जटा में उनकी आँखें कमल के के बराबर थी उनके गोरे शरीर के थे बलराम ही हैं हम वो भी चैत्र महाप्रु जैसे ही लंबा ऊंचा महापुरुष का आकार है उनका भी ऐसे तो महाप्रभु ने अंदर जब वो प्रवेश किया नंदनाशी के घर में निमाय पंडित तो उनको आ, उनको देखा उन्होंने इनको देखा, देखा दोनों को एक दूसरे के आंख जब मिलने लगे भक्तों ने देखा कि ये कौन ये नया व्यक्ति बैठा है इधर है। उनको बड़ा आश्चर्य भक्तों ने भक्तों को समझ में नहीं आया कौन नहीं है हम उस समय महाप्रभु ने नित्यानंद तो उठ भी नहीं पाया ऐसे कैसे इंग्लिश में बोते ना फ्रोजन है फ्रीज हो गया ऐसे फ्रीज हो गया तो महाप्रभु ने इनको बोला को बोला तुम गाओ है? भागवत से गाओ बर् पीडम नटवर वपु कर्णयोकर्णिकार विप्रत पास कनक वैजयती चला रान वेणूरधर सुदया पूयन गोपवृंद गाया स्वपद स्वद रमण गीत कीर्ति ऐसे गीत आता है भागवत के दशम स्कंद में गोपियाँ गाती है गोपियाँ बोलते हैं कि जब कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ वृंदावन के वन में प्रवेश करते हैं वो मुरली बजाते हैं उनके गोप उनके गुणगान करते हैं भगवान पीतामर पहने हैं उनके सुंदर कुंगराले बाल हैं और गाय बचरे उनके गिर्द गिर्द सबको लेकर अंदर प्रवेश करते हैं वन में कितने खूबसूरत दृश्य है ऐसे गोपियाँ गाती हैं उस पद को गाने से जब इन्होंने गाया तब नित्यानंद प्रभु उछल पड़े हैं ऐसे नाचने लगे ऐसे नाचने लगे हैं नित्यानंद प्रभु उनको कोई रोक नहीं पा रहा था इतना गोल गोल घूम रहे थे उछल रहे थे ऊपर पहली बार ये लोगों ने देखा कि हमने सिर्फ निमाय पंडित को देखा ऐसे नाचते हुए अभी ये भी बढ़िया नाचते हैं शिवासांगन में अनेक घटना घटी शिवासांगन में हैं पहली बार उन्होंने देखा ऐसे तो अंत में कोई उनको पकड़ नहीं पाए चैत्र महाप्रभु ने पकड़ा उनको तब पकड़ा दोनों गिर पड़े जमीन में तो नित्यान प्रभु चैतन्य महाप्रभु की गोद में बेहोश होकर गिर पड़े तब शिवास मुस्कुराने लगे बोले कि हमने सुना है कि अनंत शेष में भगवान विष्णु लेटते हैं लेकिन अभी अनंत शेष विष्णु की गोद में लेटे हैं ऐसे बोला उन्होंने तो उसके बाद चैतन्य और नीताय गौर नीताय दोनों का संकीर्तन उधर से चालू हुआ तो तब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाकर आदेश दिया सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र अमारा आज्ञा कोरो, हो प्रति गरे गरे गिया कोरो ये भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा ऐसे आदेश दिया उन्होंने नित्यानंद एक और नित्यानंद दूसरी ओर हरिदास ठाकुर आप लोग हम लोग कीर्तन कर रहे हैं अंदर ही अंदर लेकिन बाहर के लोगों को दुखी जीवों को कैसे हरिनाम प्राप्त होगा हैं उनको प्राप्त करने के लिए आप लोग प्रचार काम चालू करो आप लोग निकलो बाहर निकलो घर घर में जाओ दरवाज़ा खटखटाओ कट हैं लोग जब दरवाज़ा खोलेंगे उनको क्या बोलो हरिनाम लीजिए कृष्ण की पूजा आराधना कीजिए गीता भागवत पढ़िए बस इतना ही हमारी याचना है तो मासूम लोग थे तुरंत मानते थे कुछ लोग हट करते थे ताइम नहीं बोलते थे तो नित्यानपू जमीन में गिर कर लोट पोट कर उनको विनती करते थे हैं तो वो लोग तुरंत मान लेते थे, थे ऐसे लेकिन एक दिन पब ने सोचा कि हम इस नवद्वीप में पतित से पतित लोगों को हम उद्धार करेंगे उससे हमारे भगवान गौरांगा उनका नाम गौरांगा क्यों पड़ा गौर का मतलब है सुवर्णाँ अंग का मतलब उनके अंग गौरंग मतलब चैत्र महापुर का दूसरा नाम है गौरंगा गौरंग के नाम आ, 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 अगर गौरंग उद्धार करते हैं पतित से पतित लोगों को तो बाकी लोगों को विश्वास बैठ जाएगा कि इनके अंदर क्षमता है पतित लोगों को उद्धार करने के लिए हा? तो उसको देख सब लोग भक्ति में जुड़ जाएंगे इस इच्छा को लेकर नित्यानंद प्रभु हमेशा विचरण करते थे नवद्वीप में हरिदास ठाकुर के साथ और जाते समय गाते थे कह

हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो नितान प्रपू इस तरह गाकर ढूंढते थे किसको जुड़ाया जाए भक्ति में तो उन्होंने एक दिन ऐसे जगह मदय नाम के दो बड़े रउड़ियों को मिला है। ये लोग जो थे नवद्वीप में क्या क्या उन्होंने उन्होंने क्या नवद्वीप में बताया गया है जैसे हाथ में बॉटल और चैन लेकर दूसरों को मारते हैं ना कुछ लोग ये लोग दमकी देकर लोगों से पैसा एकत्रित करते थे और उस पैसा को एकत्रित करके शराब पीते थे सब तरह के नशा में रहते थे हमेशा सब दुकानदार डरते थे इनको जैसे टैक्स भरते ना हम लोग इस तरह इनको टैक्स भरते थे अरे आगे आगे दोनों लोग दे दो ऐसे और कभी कभी आपस में भी झगड़ा करते थे बाल एक दूसरे के बाल खींचते थे एक दूसरे को मारते थे ऐसे हैं लेकिन दोनों भाई भाई थे लेकिन ये भाई भाई कौन है दोनों ब्राह्मण के कानदान में जन्मे थे उनका नाम था जगदानंद माधवानंद था लेकिन बिगड़ चुके थे पूरा इसलिए जगह मदाई लोग बोलते थे उनको ऐसे तो उनके बारे में बहुत बड़ा वर्णन है कथा है हा? एक दिन जगह मदाई आपस में जब झगड़ा कर रहे थे तब बहुत भीड़ छा गया था उस समय नित्यानंद तो प्रभु उधर पहुँच गए हरिदा छकुर बोला कि हरिदा शकुर इनको उद्धार करेंगे गौरंग का नाम यश फैल जाएगा हाँ चलो इनको नाम देते हैं तो अंदर पहुँच गए बोला जगह मदाई को हे जगह मदाई झगड़ो माथ हाँ भगवान हरि का नाम लो जगह ने पूछा है ऐसे पूछा उसने है? अरे भगवान कृष्ण का नाम लो है ऐसे बोलो उन्हें तो ये एक दूसरे को दोनों देख रहे थे इसका साहस देखो है? हम जैसे लोगों को आकर भगवान का नाम दे रहा है, है? और दोनों टूट पड़े इनके पीछे नित्यांतों के पीछे तो नित्यांत हरिदास ठाकर दोनों भागने लगे हैं लेकिन वो इतने तेजी से भागे दोनों का बड़ा बड़ा मोटा पेट था ना भाग नहीं पाए जगह मरे तो वो लोग बच गए तो चैतन महाप्रु के पास जाकर रिपोर्ट दे दिया उन्होंने आज हमारे प्रचार में बहुत सारा सुंदर एडवेंचर हो क्या एडवेंचर को क्या बोलते हैं रोमांच रोमांच ऐसे हमको अनुभव हुआ आज प्रचार काम में तब हरिदास ठाकुर ने अद्वित आचार्य को बोला है है। देखो इसके साथ प्रचार काम में जाना बड़ा डेंजर है ऐसे लोगों प्रचार करता है खुद को मुझे भी भागना पड़ा इसके साथ ऐसे बोले इस तरह वो पहली बार वो लोगों को भागना पड़ा दूसरी बार गए नित्यानंद प्रभूँ अरिदा ठाकुर के साथ गए उस समय क्या हुआ जगह मदई दोनों थे लेकिन इस बार जब नाम लेने के लिए बोला उन्होंने मदयानंद ने ने को पूछा कौन हो तुम तो निमा नित्यानपुर ने बोला मेरा नाम आबुदूत है बोला उन्होंने तुरंत हाथ में गड़ा लेकर फाट करके उसके सर के ऊपर मारा इसे तुरंत कौन बहने लगा नित्यानपुर नीचे गिर पड़े वो समय सब लोग गिर्दिर्द जो लोग थे वो बोले अरे क्या कर दिया तुमने नित्यानंद प्रभु वो परम कृपालु अति दयालु हैं उनको तुमने मारा है ये संत महात्मा है इसको तुमने मारा कितना बड़ा पाप कर दिया तुमने ऐसे कुछ लोग बोल रहे है आपस बोल रहे कुछ लोग जाकर शिकायत कर दिया महाप्रभु को महाप्रभु तत्क्षण पहुंच गए उधर आप देख रहे हैं इधर पिक्चर में हैं पहुंच गए तुरंत चक्र को बुला उन्होंने चक्र चक्र करके चक्र आ गया हाथ में तुरंत उसके गर्दन काटने वाले थे किसके मदाई के क्योंकि मदई नहीं मारा था ऐसे हाँ तुरंत नित्यानंद प्रभु बीच में आ पड़े बोले कि अरे महाप्रभु मत मारिए इनको हाँ उन्होंने बोला कि अगर आप पापियों को मारेंगे कलिक में सबको मारना पड़ेगा कोई बचेंगे नहीं लोग हैं सबको मारना पड़ेगा आपको इसलिए आप उसको माफ़ कर दीजिए हाँ और नित्यानपुर ने उनको बोला कि कुछ समय के पहले जब महादेव दूसरी बार उठाया दूसरा गढ़ाया मुझे मारने के लिए लेकिन किसने रोका उसको जगह ने रोका जगह ने बोला ये साधु है मारो मत ऐसे बोला तो वहाँ प्रभु उसको सुनकर तुरंत खुश हो गए तुरंत जगह को आलिंगन दिया महाप्रभु ने तो हाल उसको आलिंगन करने के बाद अगर टेन थाउजेंड वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी है बताया ना तथे तथे उसका इतना प्रेमावेश आ गया उसका है, है? जगह तो जोरदार नाचने लगा हुआ कीर्तन में जगह तो माधई बोला ये बड़ा अन्याय है क्योंकि हम दोनों भाई साथ में सब कर देते हैं आपने उनको कृष्ण प्रेम दे दिया लेकिन मुझे मेरे गर्दन काटने जा रहे हो आप ये अच्छा नहीं है ऐसे बोला उसने तो नित्यानपुर ने बोला कि आप उनको भी माफ़ कर दीजिए मदय को भी पर ने मदय को बोला देखो मदय जब चाहे नित्यानपुर तुमको माफ़ करेंगे तो मैं माफ़ करूँगा तुमको नित्यानपुर माफ़ क्यों नहीं करेंगे ज़रूर माफ़ किया उन्होंने दोनों भाई उसी दिन महान भक्त बने तो दोनों कीर्तन में नाचने लगे इस तरह के लोगों को उन्होंने उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु ज्ञान प्रभु ने ऐसे तो देखिए चैतन्य महाप्रभु को, को अगर कोई उनको निंदा करता तो सहन कर लेते थे वो लेकिन बाकी भक्तों को अगर कोई मारता था तो वो सहन नहीं करते थे ऐसे हम भी ऐसे करना चाहें कि अगर हमारा कोई निंदा करता तो हम एकदम उत्तेजित हो जाते हैं दूसरों को निंदा करता तो हम छोड़ देते हैं इसके विरुद्ध तो उसके बाद जोरदार हरिनाम फैलने लगा नवद्वीप में एक दिन हिमाय पंडित ने सब नवद्वीप वासियों को बोला था कि आप लोग अपने अपने घर में पति पत्नी बच्चे बैठ कर अगर आपके पास करताल भी नहीं हो मृदंग भी नहीं हो सिर्फ ताली बजाओ और हरिनाम लो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे सब लोग बोलिए कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे सब लोग मान लिया सब लोग हरिनाम में जुड़ गए ना सारे नवोद्वीप में हरिनाम ही हरिनाम सुनाई दे रहा था लेकिन नमाया पंडित बाहर जाकर वापस लौट आने के बाद देखा उन्होंने एकदम शांत हो गया था पूरा नवदीप एक भी व्यक्ति के नाम नहीं गा रहे थे तो कारण उन्होंने पूछा तब उनको पता चला कि एक मुसलमान राजा हुसैन शाह जो है एक काजी आया था चांद काजी उसको भेजा था ये चांद काजी देखा कि लोग आजकल बाहर भी जाकर हरिनाम इत्यादि कर रहे हैं तो उन्होंने शिवा संगन में आकर उन्होंने खोल को दो तोड़ दिया था जो मृदंग है बोला कि अगर आप लोग सर वापस कीर्तन करोगे तो हम आपको सताएंगे तकलीफ देंगे ऐसे उस समय निवाया पंडित ने सब लोगों को बुलाया नवदीप के बोला कि सब लोग हम काजी के पास जाएंगे हम भगवान के नाम लेने के लिए रोक टोक तो कोई नहीं डाल डाल सकते हैं ये हर एक जीव का स्वाभाविक स्थिति है भगवान का नाम लेना चलो सब लोग सब लोग मशाल बना लिया उसमें आग लगाकर शाम के समय हजारों लाखों लोग जुड़ गए इस तरह के संकीर्तन करते हुए वो लोग चाँद काशी के महल की ओर जा रहे थे चोरों ने सोचा अच्छा अभी समय अच्छा है कि सब लोग अपने घर काले करके गए हैं घर भी कोला पड़ा है चलो अभी हम चोरी कर लेते हैं इस तरह सोचकर अनेक चोर लोग घुस गए घरों में लेकिन इतना जोरदार कीर्तन हो रहा था उधर वो कीर्तन की ध्वनि दिव्य ध्वनि सुनकर छोर लोगों को चक्कर आ गया कि हम किस लिए करके अंदर आए पता नहीं चला उनको तो वो भी हाथ में मशाल ले लिया उन्होंने भी आग लग दी वो भी कीर्तन के साथ चले गए इतना प्रभाव पड़ा कीर्तन का असर है इसे हैं तो छाँद काशी के महल के सामने पहुंचने के बाद चांद कासी डर गया हैं देखा कि ऊपर से देखा अपने महल से देखा हज़ारों लाखों लोग आए हैं मशाल लेकर लगता है कि हमको मार, मार देंगे मार देंगे ये लोग हैं उन्होंने बोला निवास पंडित को बोला कि तुम आओ अकेले आओ अ अंदर में तुमसे बात करना चाहता हूँ तो निमा पंडित के कुछ गिने चुने दो चार भक्त लोग गए उनके साथ तो निमा पंडित उनके साथ बैठ बहुत अच्छा वार्तालाप हुआ दोनों के बीच में वो उन्होंने कुरान से बताया इन्होंने सनातन धर्म से बताया दोनों के बीच में इतना अच्छा मैत्री जुड़ा हाँ वो समझ गया तो उसने बोला अंत में आपको मालूम नहीं जब मैंने खोल को थोड़ा उसी रात को एक बहुत बड़ा शेर मेरे ऊपर चढ़ गया है हाँ। और हाँ करके ऐसे फाड़ने गया मेरे वक्षस्थल को हैं हाँ। मैं चिल्ला मैं, मैं ज़ोर से चिल्ला हट दिया तो उन्होंने मारा नहीं मुझे सिर्फ नक का रेखा दिख रहा है देखे करके अपने अपने कुर्ता निकाल कर दिखाया अपने शर्ट निकाल कर उन्हें दिखाया ऐसे हैं हाँ। तो बोला कि मैं उनको वचन दिया मैं कभी भी कीर्तन को रोकूंगा नहीं मैं ऐसे हूँ तब उनका इतना संबंध अच्छा जुड़ा आज भी आप देखेंगे दो पेड़ एक ही मूल से निकल रहे हैं दो अलग पेड़ क्या क्या पेड़ है वो नीम का और दो अलग पेड़ चंपा चंपा और नीम का पेड़ है उसी स्थान में उनका मुलाकात हुई थी और आज भी उस स्थान में जब हरिम संकीर्तन चलता है हिंदू और मुस्लिम मुस्लिम के बीच में बहुत सुंदर संबंध है उधर वो लोग भी हाथ जोड़कर ये करते हैं स्वागत करते हैं उधर तो ये निमाय पंडित जो थे महान प्रभावशाली थे उस वायस में भी वो इतने प्रचुर मात्र बड़े मात्रा में लोगों को घटित करके हरिनाम का संकीर्तन किया उन्होंने उसके बाद वो सन्यास लेते हैं लेकिन हमारे समय की पाबंदी है आई कैन टेक टेन वन मिनट्स उसके बाद निमाय पंडित ने सोचा कि मुझे अगर बड़े मात्रा में हरि को फैलाना हो अनेक लोग थे नवद्वीप में निंदक है पड़ू ऐसे लोगों का नाम लिस्ट दिया है चैतन चर्था में अनेक अनेक लोग निमाय पंडित के हरिणाम को स्वीकार नहीं रहे थे उस समय निमाय पंडित ने सोचा कि मैं सन्यास उस, उस जमाने में सन्यास का बहुत वैल्यू था मूल्य था हम कोई सन्यास लिया तो लोग लाखों मात्रा में आकर देखने के लिए आते थे सुनते थे इसलिए निमाय पंडित ने सन्यास ली सब वक्त बहुत रोने लगे अफसोस करने लगे क्योंकि निमाय पंडित छोड़कर चला जाएगा लेकिन निमाय पंडित उनके माँ सची माता की इच्छा के अनुसार वो जगन्नाथपुरी पहुँचे जगन्नाथपुर में टहने के लिए मान लिया उन्होंने इधर आप देख रहे हैं जगन्नाथपुरी सन्यासी के बाद जब पहुँचते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये कृष्ण बलराम और उनकी बहन सुभद्रा उनकी सुंदर विग्रहों के दर्शन करके तत्क्षण बेहोश होकर गिर पड़े हुआ हा? हाँ, चैत्र महाप्रभु उधर। इससे हम समझते हैं कि हमारे आम आचार्यों ने भगवान के सुंदर विग्रहों का पूजा की है आराधना की है प्रेम का आदान प्रदान की है हा? जैसे माधवेंद्रपुरी ने गोपाल की पूजा अर्चना की हा? जैसे रामानुजाचार्य ने रंगनाथ की अर्चना की माधवाचार्य ने उडुपी कृष्ण की अर्चना की थी ऐसे ऐसे आप देखेंगे Uh, कोने कोने में भारत में बड़े बड़े आचार्यों ने भगवान के शिव ग्रहों की आराधना की है तो उसके बाद एक सर्वभट्टाचार्य नाम के राज पुरोहित थे प्रदाप्रद राजा के वो उधर आ पहुँचे महाप्रभु के को उठाकर अपने घर लेके गए तो अपने आ, उनके घर में दोनों के बीच में बहुत सुंदर सुंदर बातचीत होता है वो बड़ा मायावादी था वो लेकिन उनके साथ संबंध अच्छा जुड़ गया उन्होंने एक चीज़ देखा चैत्र महाप्रभु में इनका व्यवहार बहुत प्रीतिपूर्ण व्यवहार है किसका चैत्र महाप्रभु का वो हमेशा अपने उनके बहनों ही थे उनका नाम था गोपीनाथ आचार्य उनको वो पूछते थे कि ये सन्यासी खूबसूरत भी दिख रहा है और इसका इतना कोमल स्वभाव स्वभाव है ये सदा मेरे स्मरण में आ रहा है तो एक दिन उन्होंने बोला कि ये सन्यासी चैतन्य महाप्रभु को बोला उन्होंने कि तुम बहुत तरुण अवस्था में सन्यास लिया हो चौबीस वयस में तुम्हारे इंद्रियों को तुम कैसे दमन करोगे संयम कर पाओगे इसलिए भी तुमको वेदांत सिखाऊंगा तुम निवाय पंडित चैत्र महाप्रभु ने मान लिया इसलिए चैत्र महाप्रभु के सन्यास के स्तर पर होने के कारण उनको ऊपर बिठाया बिटाया हा? वो गृहस्थ होने के कारण नीचे बैठे हो फिर भी उनको क्या बोध दिया वेदांत के सात दिन महाप्रभु ने सुना वेदांत सुनने के बाद सात दिन होने के बाद सर भट्टाचार्य ने पूछा कि आपने आपको समझ में आया कि नहीं कुछ बोल ही नहीं रहे हो ऐसे ही सुन रहे हो आप तब दिमा चैतम आपने बोला वेदांत तो सूर्य के बराबर चमक रहा है आसमान में लेकिन आपके विश्लेषण जो कर रहे हैं आप वो ये बादल के समान सूर्य को डक रहा है ऐसे बोले तब ने पूछा क्या तुम बोल रहे हो क्या समझ में नहीं आ रही सर दोनों के बीच में जब बातचीत हुआ तब भक्ति मार्ग को स्थापन किया उन्होंने भट्टाचार्य को उन्होंने चौंसठ मीनिंग uh, आत्माराम नाम के श्लोक का उनको बताकर भक्ति मार्ग को स्थापन किया वुशी क्षण भट्टाचार्य महान भक्त बन गए चैत्र महाप्रभु के संग से ऐसे तो महाप्रभु के संग से तो मायावती लोग प्रकाशन सरस्वती को बाद में भक्त बनाया वाराणसी में भी उन्होंने ऐसे तो महान भक्त बने भट्टाचार्य उसके बाद भट्टाचार्य तो अपने घर में बुलाते थे उसको प्रसाद परोसते थे और महाप्रभु ईर्षालु भक्तों वक्तों लोगों को भी उनकी ईर्षा को सुधारते थे जैसे इधर अमोघ की लीला आता है इधर और रथ यात्रा के सामने महाप्रभु जो लीला की है बहुत महत्वपूर्ण लीला है तेरहवा अध्याय में आता है मध्य लीला में तो इसके एक दो अद्भुत चीज़ हम बताएंगे इसके बारे में जगन्नाथ रथ का रथ यात्रा करोड़ों सालों से चलता आया है उधर जगन्नाथपुरी में अभी इधर चैत्र महापुर नाच रहे हैं आप देख रहे हैं चैत्र महापुर कौन है कृष्ण हैं किसके भाव में राधा के भाव में और जगन्नाथ कौन है कि कोई जानते हैं जगन्नाथ के आँखें इतने बड़े बड़े क्यों हैं उसका कारण है उसका कारण क्या है कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर ग्यारह साल में मथुरा जाते हैं मथुरा से द्वारका पहुँच जाते हैं उसके बाद द्वारका में उनको बहुत काम बचा हुआ है असुरों को वध करना इत्यादि लेकिन उनको स्मरण आता है किन लोगों की वृंदावनवासियों की याद आता है जैसे कोई व्यक्ति अगर उसने विवाह किया हो उसका छोटा बच्चा हो घर में तो बीबी बच्चे के साथ घर में रहना चाहता है लेकिन उसको दफ्तर करना जाना पड़ता है उसको इच्छा नहीं आप ही जाने के लिए घर में ही रहो बच्चे को देते रहो लेकिन जाना पड़ता है उसको इसलिए आप ही जाने के बाद भी पूछता है बीबी को पूछता है वो कैसा है बच्चा क्या सो रहा है क्या उड़ गया क्या खेल रहा है क्या आजकल तो स्मार्टफोन आ गए लोग दिखा भी देते हैं वीडियो में दिखा देते हैं क्या कर रहा है ऐसे है तो इस तरह मन है उसका किधर घर में लेकिन शरीर है किधर ऑफिस में ऐसे ही भगवान कृष्ण को भी हुआ ऐसे तो एक दिन रानियों ने पूछा रोहिणी को रोहिणी माता को पूछा उन्होंने कि ये तो द्वारकाधीश हमारे साथ हैं लेकिन इनका हृदय ही हमारे साथ नहीं है हम भी ब्रजवासी ब्रजवासी लोग जैसे आकर्षित करना चाहते हैं कृष्ण को अब उपाय बताइए ब्रजवा सिंह के बारे में थोड़ा बताइए हमको इनका हृदय उन्होंने खो बैठा उधर वृंदावन में कारण क्या है तब रोहिणी ने बोला कि मैं अगर मैं कथा बोलना चालू करूँगी कृष्ण बलराम सुनेंगे वो भाग जाएंगे वृंदावन तो आपको छोड़कर चले जाएंगे वो लोग बोले कि जब कृष्ण बलराम दोनों एक दिन बाहर गए थे तब उन्होंने दरवाजे में सुभद्रा को बिठा दिया हुं? और कथा चालू हुई लेकिन सब लोग उसमें शुद्ध बुद्ध खो बैठे सब रानियाँ उनको इतना अच्छा लगा ब्रजवासियों की कृष्ण के साथ लीला इत्यादि तब कृष्णा बलराम दोनों आप पहुँचे एक ओर कृष्ण दूसरी ओर बलराम जी बीच में कौन सुभद्रा खड़ी थी लेकिन सुभद्रा तो दरवाजा में उनको रोक डाला था रोक टोक डाला था अंदर जा, जाने के लिए लेकिन दोनों खड़े होकर वो भी सुन रहे थे तो उस समय कृष्ण और बलराम की आंखें सुभद्रा का भी आंखें बड़े बड़े हो गए हमारे आंखें कब बड़े होते हैं कुछ आश्चर्यजनक चीज़ आप सुनते हो इस तरह इसलिए जगन्नाथ कौन है जगन्नाथ इज एक्सटैटिक कृष्णा जब कृष्ण एक्सटसी में आ जाते हैं हैं जैसे अगर का कोई आपको बोलता है इधर आओ बुला कर ऐसे एक पैकेट खोलता है पूरा सोनबड़ी इतना बड़ा पैकेट में है ऐसे आपको एक्साइटमेंट होता है ना है हाँ है? पूछते हैं मैं ये एक ले सकता हूँ क्या आप पूछते हैं वो बोलता है एक नहीं पूरा पैकेट तुम्हारे लिए है ऐसे दे देता है तो आप कितना खुश हो जाओगे आप ऐसे जगन्नाथ भी विश्वासियों की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये जगन्नाथ इसलिए उनका आंखें बड़े बड़े हैं <coughs> तो जगन्नाथ कृष्ण हैं आकर्षक आकर्षित होकर देख रहे हैं और चैत्र महाप्रभु भी कृष्ण लेकिन राधा जी के भाव में है इसलिए जगन्नाथपुरी धाम को विप्रलम्ब धाम बताया गया है क्योंकि इधर कृष्ण ब्रजवासियों के विरह में है और राधा जी कृष्ण के विरह में है इसलिए इसको विरह विदूर बताया गया है विरह का धाम है क्या धाम है वो पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम जब भगवान नाच रहे थे इस तरह ये इसके सामने रथ के सामने तब प्रताप रुद्र ऊपर चढ़कर प्रताप रुद्र राजा जो था महान शुद्ध भक्त था वो कृष्ण के वो सारे उड़ीसा का राजा था वो वो देख रहा था ऊपर से तब उन्होंने देखा कि रथ के समक्ष चार सर्कल थे और सर रथ के इस साइड में और दो सर्कल थे पीछे और एक सर्कल कुल मिलाकर कितना सात सर्कल थे चैत्र वहाँ पर बनाया था ऐसे सर्कल और अलग अलग भक्तों का तो कीर्तन चल रहा था ऐसे लेकिन ऊपर से उसने देखा सातों सर्कल में उसने किसको देखा माँ को देखा उन्होंने बता दिया तुरंत मैं देख रहा हूँ सातों सर्कल में क्योंकि सबको नज़र नहीं आते थे वो लेकिन प्रताप भक्त होने के कारण भगवान ने उनको ऐसे एक अद्भुत दृश्य दिखाया सातों सर्कल सब सर्कल के लोग सोच रहे थे चैत्र आप लोग किस सर्कल में हैं जैसे कृष्ण के बारे में गोपियाँ सोच रही थी कृष्ण सर मेरे सामने नाच रहे हैं मेरे साथ लेकिन सबके साथ नाच रहे थे कृष्ण द्वारका के भी रानिया ने ऐसे ही सोचा कृष्ण मेरे पति हैं मेरे महल में रहते हैं उन्होंने सोचा कि ये क्यों मेरे मेरे साथ ही रहते हैं किसी रानी के पास जाते ही नहीं लेकिन वो हर एक रानी के साथ थे वो हैं अपने आप को विस्तृत किया था उन्होंने ऐसे चैत्र महाप्रभु में विस्तृत किया ऐसे तो एक बार ऐसे रथ कड़ा हो गया है तो एक पग भी आगे नहीं बढ़ा क्यों क्योंकि चैत्र महाप्रभु धीरे 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 बाजू में चले गए तो तब जगन्नाथ रुक रुक गए तब तक जब तक राधा जी को नहीं देखते वो आगे नहीं बढ़ेंगे हैं तब अनेक हाथियों को लाया राजा ने अनेक पहलवानों को लाया सब लोगों ने खींचने के लिए प्रयत्न किया सामने से हाथियाँ खींच रहे हैं पीछे से पहलवान धक्का दे रहे हैं लेकिन वो एक, एक मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ा तब सब लोग गए महाप्रभु के पास विनती किया तो महाप्रभु देखिए वो पिक्चर में देख रहे हैं आप रथ के पीछे जाकर अपने सर से ऐसे थोड़ा धक्का दिया जोर से रथ आगे जाने लगा तो इसको देख कर प्रताप समझ गया इसका मतलब क्या है जब कृष्ण कृष्ण को वृंदावन राधा जी के अभाव में अच्छा नहीं लगता वृंदावन क्योंकि सब भक्तों में से श्रेष्ठतम भक्त कौन है राजा जी है इसलिए चैत्र नाचते नाचते बाजू में जब चले गए तो शाम जगन्नाथ के समक्ष दिखाई नहीं दिए तो जगन्नाथ क्या कर दिया उन्होंने अपने रथ को रोक दिया लेकिन कोई उनको धक्का मुक्का देकर आगे लेकर नहीं जा पाए हैं जब तक राधा जी खुद धक्का देते तब कृष्ण आगे चलते हैं इसका मतलब क्या है भक्ति से ही भगवान भक्तिर तुष्यति अजितम पराजितम भागवत में बताया गया कृष्ण अजित हैं लेकिन भक्ति से पराजित होते हैं इस तरह की लीलाओं को समझ लिया प्रताप रुद्रा तो ऐसे ये तो मैं लीला का लिस्ट ये जो पिक्चर बनाया है मैं आधा पूरा किया मैंने आधा हो सकता है कभी और आगे आए आऊँगा तो मैं करूँगा आपको ऐसे महाप्रभु की अनेक लीलाएँ हैं ये प्रताप राजा है जो उड़ीसा का राजा जो झाड़ू मारता था जगन्नाथ रथ के सामने ऐसे बहुत नम्र राजा था तो महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हुआ सेवा प्राप्त हुआ उसको है? तो महाप्रभु इतने नम्र थे कि एक दिन एक बूढ़ी नारी चढ़ गई थी इसके ऊपर स्तंभ के ऊपर और महाप्रभु के कंधे पर पाँव रखकर वो जगन्नाथ के सुंदर दर्शन देख रही थी उसको इतना भीड़ भाड़ में दिखाई नहीं दिया कि मैं पांव किधर रख रही हूँ ऐसे तो तब बाकी वैष्णव चिलने लगे ए, ए उधर जाओ ऐसे चिल्ला रहे थे वो तब चैतन महा बोला हे गोविंद देखो ये कितना भाग्यशाली है जगन्नाथ को इतने प्रेम के साथ देख रही है मेरे अंदर इतना उत्साह नहीं है जितना इसके अंदर ऐसे में उत्साह पाने की इच्छा होता है मुझे इधर चैतन महाप्रू बहुत एक नम्र वक्ता का भूमिका निभाया उन्होंने ऐसे अनेक लीलाएँ हैं अनेक भक्तों के साथ आधा पूरा किया मैंने तो कभी अगर दूसरी बार इसके ऊपर चर्चा हो तो उस समय हम करेंगे और हा? लेकिन आज का दिन बहुत पवित्र दिन है कृष्ण दुनिया में याद रहता कृष्ण इस दुनिया में एक भक्त के भूमिका निभाते हैं चैत्र महापुरु के रूप में क्योंकि अगर देखिए कृष्ण जो भी करते हैं सब बेस्ट करते हैं हैं अगर मित्र बना तो कैसे मित्र बनते हैं बेस्ट मित्र अर्जुन के सारथी बनते हैं अगर प्रेमिका बनना तो बेस्ट प्रेमिका बनते हैं राधा जी के हुँ? अगर बच्चे बनना है तो यशोदा के सबसे बेस्ट बच्चे बनते हैं ऐसे इसी तरह अगर भक्त बनना हो तो उनसे बेटर भक्त कौन बन सकता है उनसे बढ़कर सबसे श्रेष्ठ भक्त बनते हैं वो ऐसे हु? सब लोग मेरे पीछे बोलिए आजानु लंबित भुजो कनकाव दा सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारोद्रो करुणावतार हैं वो जो कृष्ण प्रेम अनुभव कर रहे हैं वो दूसरों को भी बांट रहे हैं बहुत सरलता से बहुत कुछ भी मांग नहीं रहे हैं सिर्फ हमको स्वीकारना है बस जैसे अगर दूध बांटना हो किसी को घर घर में बोलते हैं महाप्रभु जाकर दूध बांटो किसी के पास पात्र भी नहीं है तो पात्र देकर दूध बांटो ऐसे बोलते हैं पात्र देकर उनको भक्ति परोसो ऐसे ऐसे भक्तों को सिखाते हैं इसलिए उनके अन्याय बनकर हमारे वैष्णव आचार्य शील प्रभुपात जी भी इसी करुणा भावना को लेकर अमेरिका में गए हिप्पी लोगों को सुधारा उन्होंने तो उसको देखकर सारे दुनिया के लोग जग गए उनको आश्चर्य हुआ कि अमेरिका की सरकार के बड़े बड़े पुलिस लोग भी आश्चर्य किया कि हिपियों को सुधारने की क्षमता किसी में नहीं था उधर लेकिन प्रभुपा जी ने उनको सुधारा ही नहीं लेकिन उनको महान संत महात्मा बना दिया उन्होंने तो प्रभुपा जी एक आदर्श आनु हैं चैत्र महाप्रभु के हमारे गुरु परंपरा में इन सा इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं तो आज के दिन हम चैत्र महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस तरह की प्रेमा भक्ति कृष्ण प्रेम जिसको प्रा, जिसको प्रदान करने के लिए आए हैं वो इस दुनिया में उस दिव्य पदार्थ को हम सही ढंग से समझे जाने अभ्यास करें नाम जप के द्वारा भागवत श्रवण के द्वारा भक्तों के साथ सही ढंग से व्यवहार करके गुरु के आश्रय लेकर हम लोग इस कृष्ण प्रेम को इसी जन्म में हम प्राप्त करें इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सही आशीर्वाद दे तो चैत्र महाप्रु के बारे में बोला गया कि प्रीतिपूर्ण व्यवहार युक्तिपूर्ण प्रचार उनके व्यवहार बहुत मधुरता कोमल स्वभाव के थे वो प्रीतिपूर्ण व्यवहार लेकिन अगर मुँह खोलते थे तो युक्तिपूर्ण प्रचार सब तरह के गलत फेम को काट डालते थे जैसे वज्रपात जैसे प्रचार करते थे वो हैं सत्य को इतना सही ढंग से बोलते थे कोई असत्य उनके सामने टिक नहीं पाता था जैसे अंधेरे कमरे में अगर ट्यूबलाइट लगा जलाया जाए अंधेरा टिक नहीं पाता उधर इस तरह के सरोपट्टाचार्य प्रकाशन सरस्वती केशव कश्मीर ऐसे अनेक लोगों को पराजित करके उन्होंने भक्ति का स्थापन किया और गोस्वामी के द्वारा वृंदावन में और अभी प्रभुपाद के द्वारा सारे दुनिया में इस हरी नाम का फैलाया उन्होंने खुद उन्होंने बोला पृथ्वी तयाच अधि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो नाम वो ऑलरेडी ऑलरेडी पहले भविष्यवाणी किए उन्होंने सारे दुनिया में हरिनाम फैलने वाला है उन्होंने जो भविष्यवाणी की अभी वो सत्य बन गया है ऑलरेडी तो अनेक भविष्यवाणी है नित्यान कम ने भी बोला कि एक बहुत बड़ा मंदिर बनेगा भविष्य में उधर मायापुर में अभी बन रहा है सारे दुनिया में से बड़ा मंदिर है उधर अभी दो तीन साल में खुल जाएगा वो हा? तो हम लोग सही समय पर जन्म लिया है हमने चैतन्य महाप्र आकर गए हैं अभी प्रुपा जी भी पचास साल के पगल आकर गए हैं साफ तैयार है, है माहौल एकदम सुंदर माहौल है बड़े बड़े मंदिर भी खड़ा हो गया है भगवान के अनेक श्री विग्रह का स्थापन भी हो गया है रूपा जी के शिष्य आकर हमको एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करके अभी भी सारे दुनिया के इस संस्था को चला रहे हैं हमको कुछ नहीं करना है प्रसाद करना है नाम लेना है बस सरल बना दिया उन्होंने हमको हमारे जीवन बहुत सरल है ज़्यादा कसरत नहीं है भक्ति में इसलिए बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा नाम जपिए कृष्ण की विग्रह की पूजा आराधना कीजिए और कृष्ण शिक्षा का मतलब गीता भागवत का श्रवण कीजिए दूसरों को सुनाइए और जीवन को सरल बनाइए और इस तरह के जीवन में परिपूर्णता को प्राप्त कीजिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करिए धाम दौड़ चलिए ये महाप्रभु की संदेश है कृष्ण भगवान की श्री श्री निताय की गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की श्री जाने, की जाने के वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री की श्री प्रभुपाद की हरे yeah. yeah. कृष्ण yes. ना तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहेंगे विशेष करके बड़े सुंदर तरीके से तीन सत्रों में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के, के बारे में वर्णन करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में जन्म च मे दिव्यम एवं यो वे तत्वतः तो बड़े सुंदर तरीके से चैतन्य महाप्रभु के भी आविर्भाव को कैसे तत्व के साथ समझा समझना चाहिए हमने तो पहले दो सत्र में जी ने तत्व को बड़े सुंदर तरीके से आ, सामने लाया प्रकट कराया श्रवण के माध्यम से और श्री चैतन्य महाप्रभु कितने सुंदर तरीके से राधा कृष्ण की लीला से कैसे अवतीर्ण का एक कारण लेकर आते हैं वो भी बड़े मधुर तरीके से बताया और आज आ, कल भी बड़े सुंदर तरीके से बताया कि कैसे हुई? भक्तों को अगर भगवत धाम जाना है तो क्वेश्चन आंसर पूरे लीक कर दिया प्रभु जी ने अगर हम उसको भगवत धाम में जाना है तो क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके क्या क्या उत्तर देने पड़ेंगे तो वास्तव में बहुत सुंदर तरीके से वो आ, भगवान कैसे छः अंगों में प्रकट होते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के आज के सुंदर लीलाओं के माध्यम से जो फ्लो चार्ट के हिसाब से आज आज हम आधे में ही रख गए हैं जगन्नाथपुरी में पहुँचे वास्तव में वो अंत तक जाना चाहिए था लेकिन समय का अभाव है प्रभु जी ने अपने सुंदर प्रवचनों में जो सुंदर भजन और सुमधुर श्लोकों का उच्चारण उनके भक्तिभाव के साथ से हमको ओतप्रोत कराया है इसलिए हम प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको भी भक्ति के कुछ अंगों के बारे में अवगत कराकर उसका एक अनुभव दिलाकर चैतन्य महाप्रभु का स्मरण कराकर हमें आज वास्तव में धन्य कराया है